हो गया इसे सीधा कर हो गया बोल दी ओम ज्ञान विराजनस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय विस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः कृष्णपादाय राधिकाय तद्भक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद के बस भाग ठाकुर महाप्रभु के आगे बोला हरि कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जन्म शताब्दी उत्सव बहुत सारे स्थानों पर मनाया और उसी श्रृंखला
श्रृंखला में हम लोग आज इस श्री आनंद धाम में श्री गुरुदेव और बड़े गुरु जी का जन्म शताब्दी उत्सव मना रहे हैं। श्री गुरुदेव से जब मैं पहली बार मिला था तो यही वो आनंद धाम है जहाँ मेरे गुरुदेव के साथ भेंट हुई थी। 2010 की बात है जब गुरुदेव यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव हो रहा था तो गुरुदेव यहीं पर विराजमान सारे भक्त यहाँ पर आए हुए थे। तो उस समय मैं अंबाला में जॉब करता था तो मुझे प्रोग्राम से बताया था कि गुरुदेव वृंदावन में आए हुए हैं तो तुम दर्शन करने के लिए आ जाओ। तो मैं फर्स्ट टाइम गुरुदेव से मिला था और मेरी इच्छा थी कि गुरुदेव से मैं हरिनाम देना चाहता था। तो उस समय क्योंकि हमने तो सुना है कि हाँ गुरुदेव खुद स्वयं बोलते हैं हरिनाम या दीक्षा देते हैं मंत्र बोलते हैं फिर हरिनाम मिलता है, मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो उस समय मैंने मोहित प्रभु से डिस्कस किया, मैंने कहा मेरे को तो गुरुदेव के मुख से एक बार सुनना है अजय पायलट बलराम प्रभु से हमने ये सारी बात डिस्कस की। तो बलराम प्रभु ने ये बोला कि तुम कोशिश करो कि गुरुदेव के पास जाने की, और मोहित प्रभु ने ऐसे ही बोला कि तुम कोशिश करो चेष्टा करो कि गुरुदेव के पास अगर तुम पहुँच सकते हो। तो उस समय क्या था गुरुदेव बीच में बैठे थे ना, तो गुरुदेव के चारों तरफ में इनकम क्षेत्र नहीं हुई थी, सब डिवोटीज खड़े थे हाथ पकड़ करके और किसी भी व्यक्ति को गुरुदेव के पास नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि गुरुदेव उस समय अस्वस्थ लीला कर रहे थे। तो गुरुदेव को मतलब किसी प्रकार का कष्ट ना हो तो सभी भक्तों ने एक बाढ़ सी बनाई हुई थी कि कोई उनके पास पहुँच ना सके। लेकिन पता नहीं क्या गुरुदेव की कृपा हुई तो वो जब ह्यूमन चेन से बनी हुई थी ना तो उसमें से नीचे से घुस करके मैं अंदर चला गया, कोई भी नहीं था गुरुदेव के पास, गुरुदेव अकेले बैठे थे बीच में और मैं चला गया, मुझे किसी ने रोका भी नहीं। तो मैंने गुरुदेव जी को जाकर के प्रणाम किया, उनके चरणों को छुआ। तो मैंने गुरुदेव को बोला, मैंने कहा गुरुदेव एक बार मुझे हरिनाम सुना दो। तो उसी समय गुरुदेव ने जो हरे कृष्ण नाम मंत्र मुझे सुना दिया। तो मतलब इतना अधिक एक पहली बार नहीं हुई गुरुदेव ने जो है एक्सेप्ट कर लिया हमें। और उसके बाद जो है यहाँ पर मतलब उत्सव हुआ और उसके बाद एक बार और गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हुआ। जब कार्तिक की परिक्रमा भी है उसके बाद तो गुरुदेव अपनी भजन कुटी से बाहर आकर के गुरुदेव ने थोड़े समय के लिए प्रवचन दिया था। तो उस समय जो है गुरुदेव का फर्स्ट टाइम मतलब मैंने कथा सुनी थी, उन्होंने थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा तो बोला नहीं था उस समय क्योंकि अस्वस्थ थे गुरुदेव। और उस टाइम जो है वही मेरा अंतिम दर्शन था गुरुदेव का। और उसके बाद गुरुदेव जो है फिर दिसंबर में नवद्वीप में पूरी उन्होंने श्री छोड़ दिया और नवद्वीप में उनकी समाधि भी है। समाधि में भी हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि हम लोग बहुत नए थे, मठ से जुड़े थे और हमें इतना सब कुछ पता नहीं था। लेकिन उसके बाद गुरुदेव की बहुत विशेष कृपा रही कि फिर 2013 में जब मैं नवद्वीप परिक्रमा में गया तो वहाँ पर मुझे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के दर्शन हुए और इनकी हरिकथा श्रवण करके और वहाँ पर इनके साथ में रह करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं इन्हीं को अपने गुरु रूप में स्वीकार करूँगा। तब मैं तब उस समय मेरे साथ अजय प्रभु थे, अजय प्रभु उस समय हमारे साथ गए थे और मोना बाबा भी थी हमारे साथ और हम सब लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो मैंने अजय प्रभु जी से डिस्कस किया, मैंने कहा मैं महाराज जी से दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया कि महाराज जी बहुत अच्छे संत हैं, तुम ज़रूरी इनसे दीक्षा लो। तब फिर श्री महाराज जी ने मुझ पर कृपा की और वहाँ पर मुझे दीक्षा प्रदान की। और उसके बाद एक और कृपा क्या हुई, जब हम लोग उसके बाद वृंदावन आते थे मोहित प्रभु और मैं तो हम लोग जनरली क्या करते थे, सब मंदिरों में दर्शन करते थे और अपने वापस चले जाते थे लेकिन वो साधु से नहीं करते थे। लेकिन एक बार हम मठ में आए उसके बड़े मठ में तो उस समय महाराज जी उपस्थित थे मठ में। तो हमने महाराज जी को जाकर के प्रणाम किया और उससे कुछ प्रश्न पूछे तो महाराज जी ने हमें डांटना शुरू कर दिया। महाराज जी बोले कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, तुम लोग आते हो वृंदावन में इधर उधर घूम करके चले जाते हो, इससे क्या वृंदावन का लाभ होगा, तो वृंदावन आने की कोई फल प्राप्त होगा तुम लोगों का, तुम लोग कोई साधु संत करते नहीं हो। तो फिर महाराज जी ने बोला कि यहाँ पर मुझे बात मिश्र प्रभु जी हर रोज सुबह शाम कथा करते हैं तो तुम लोग जब भी आओ प्रभु जी का संत करो। तो गुरुदेव की और महाराज जी की कृपा से हमें पूजे का परमेश्वर गुरु जी का संग मिला और फिर धीरे 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 हम लोग आते रहे हम लोग कृपा आते थे और फिर प्रभु जी के कृपा से ही हम लोगों को एक वृंदावन में वास मिल गया। तो ये सब
मूल रूप में श्री गुरुदेव की कृपाएं जिन्होंने हमें इतना अधम होते हुए भी हमको अपने बिल्कुल अंतिम लीला में जब वो जा रहे हैं तो उस समय भी हमें स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार गुरुदेव की तो अनंत कथाएं हैं। और भी गुरुदेव के बारे में हम लोग, मैंने ज़्यादातर उनका साक्षात्कार किया नहीं, परंतु जो भी महाराज जी ने मुझसे सुना है उसमें से मैं कुछ बोलूँगा। महाराज जी हमेशा बताते हैं कि गुरुदेव का नाम नारायण गोस्वामी महाराज, अर्थात उनका बचपन में भी जब उनके पिता माता ने नाम रखा तो वो भी नारायण नाम रखा। और उसके बाद जब दीक्षा हुई गुरुदेव से केशव स्वामी महाराज से, तब भी उनका नाम बाल नारायण रखा गया। और उसके बाद जब संन्यास प्राप्त हुआ फिर भी उनका नाम नारायण गोस्वामी महाराज रखा गया। तो ये नारायण जो नाम है ये उनका नित्य सिद्ध नाम है। तो ये जो नारायण नाम है इसके बारे में महाराज जी बताते हैं कि नर अर्थात सभी जीवों को, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी बड़े वर्ग का, कहीं का भी, सबको गुरुदेव अपने चरणों में आश्रय प्रदान करते थे, उनको हरि कथा सिखाते थे और उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करते थे कि तुम लोग हरि कथा बोलो, सिद्धांतों को अच्छे से सीखो। तो ये गुरुदेव के जीवन में विशेष बात देखी कि जैसे कि जीव गोस्वामी जी के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि श्री नरोत्तम श्री श्यामानंद और श्रीनिवासाचार्य तीनों जो थे वो अलग अलग गुरु के शिष्य थे, परंतु उन्होंने आकर के केवल मात्र जीव गोस्वामी जी से शिक्षा प्राप्त की। जीव गोस्वामी जी कभी किसी तरह का उनका भेदभाव नहीं था, जबकि उनके परकीय शिष्य थे परंतु उनको अपनी तरह ही रखा। उसे तो सरकार गुरुदेव के पास जो भी आता था, चाहे वो उनका अपना शिष्य हो चाहे वो किसी और गुरुदेव का शिष्य हो, परंतु वो उनको उस तरह से अपने शिष्यों से भी अधिक प्रेम करते थे। ये गुरुदेव के जीवन में बड़ा ही विशेष बात देखी। और ये केवल मात्र एक बात पर आपसे पूछ ही कर सकता है, क्योंकि कोई भी गद्य जीव जो है वो इतना स्वच्छंद रूप से इतना निर्मल होकर के कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। केवल मात्र जब वो इस जगत से आते हैं करने के बारे में मिलता है। और भी एक बात बताते हैं कि जो नारायण शब्द है, नार शब्द का अर्थ क्या होता है, रस। तो गुरुदेव के जीवन का एक उद्देश्य था कि जो रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु रस को प्रदान करने के लिए आए थे, उस रस को सृष्टि रूप में श्रीला गुरुदेव ने ही आधुनिक काल में जो है उसको स्थापित किया। पहले प्राचीन काल में श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी रूप गोस्वामी जी के माध्यम से इस रस की स्थापना की, लेकिन समय के साथ विलुप्त होता गया। लेकिन फिर गुरुदेव ने, जैसे भक्ति विलास स्वामी महाराज जी ने हमें संबंध तत्व प्रदान किया, सारे जगत में इस बात का प्रचार किया कि भगवान श्री कृष्ण को हमें सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, हम उनके अंश हैं, हम उनके सेवक हैं। तो ये संबंध तत्व जो है हमें भक्ति वेदांशी का स्वामी महाराज जी ने प्रदान किया। और श्री भक्ति अक्षी शुद्ध महाराज जी के बारे में महाराज जी बताते हैं कि उन्होंने अभिधेय तत्व प्रदान किया हमें। और उस प्रकार गुरुदेव ने क्या स्थापित किया, प्रयोजन तत्व, प्रेम तत्व। तो इस प्रकार श्री गुरुदेव ने संबंध अभिधेय और प्रयोजन तीनों तत्वों की स्थापना की। तो मैं श्री गुरुदेव और बड़े गुरु जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी किसी जन्म में उनकी अहतुल कृपा प्राप्त हो कि मैं भी जो है भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ सकूँ। वांछा करता हूँ। दर्शन पास में वही वही हरे कृष्ण। हमारे गौरव से भक्त लोग कहाँ हो रहे हैं, सब लोग आए कि कहीं चले गए, कहाँ गए, कौन सा रूम में रुके, जाओ तो सबको बुला कर ले जाओ। और नोएडा से तो कौन करेंगे, तुम लोग बुला नहीं सकते, बैठना कैसे कौन कौन करो, तो और किस ग्रुप में हो सके जाओ बुला कर ले, सबके सब आ जाता था। हरे कृष्णा। जो 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 लोग बाहर हैं रूप में रुके हुए हो, सबके सब कथा में आ जाओ, जो बाहर रुके हुए जो घर में रुके हुए हैं सबके सब नाक में दिन में आ जाओ, जब अर्घ से बुलंद नमो विष्णुपादाय गोश्रेष्ठाय श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गिरामि, नमो विष्णुपादाय राधिकाय गिरामि श्री श्रीमद्भक्ति नारायण गोस्वामी गिरामि, नमो विष्णुपादाय भक्ति सिद्धान्तकामि श्री श्रीमद्भक्ति नारायण गोस्वामी गिरामि, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्चितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हे कृष्ण गौरा सिन्धो।
भगवंतो जगत्पते गोपेश गोपिकाकां राधाकां नमोस्तुते तत्काचन गौरांगी राधे वृंदावनेश विषभानुते देवी प्रणमामी वृंदाय तुलसीदेवी प्यारिकेशस्य कृष्ण भक्ति देवी सत्यते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवानंद गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे जाके तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो
महाराज जी जो है बाबा दीक्षा भी देते हैं और मंत्र भी प्रदान करते हैं, तो मैंने कहा ऐसे तो फिर कुछ होगा नहीं। जो नारायण स्वामी महाराज जी है वो दीक्षा भी प्रदान करते हैं और उसकी कथा भी इसने मुझे बताया कि बड़ी ही अद्भुत कथा है। मैं मठ भी जाना शुरू कर दिया था और कीर्तन भी सुनता था, तो धीरे धीरे वहां से जब मेरी ट्रांसफर हुई बेंगलोर से गुड़गांव, तो मुझे गुड़गांव में तो मठ नहीं था लेकिन मुझे दिल्ली के मठ का एड्रेस मिल गया। तो दिल्ली मठ जब जाना शुरू किया तो दिल्ली मठ में पूज्य रामचंद्र बाबू जी थे, उनकी कृपा से हमें बड़ी ही कथा सुनने को मिली। और फिर उस समय ही थोड़ी देर बाद ही नवदीप धाम का प्रोग्राम हुआ तो मुझे बोला गया कि आप नवदीप चलो। तब मैं अजय प्रभु जी और इन सब लोगों से भी मिल चुका था, इन गुड़गांव के भक्तों से, और इन लोगों के साथ कीर्तन में भी जाता था। इन लोगों की भक्तों का इतना कृपा रही है हम पर, इन्होंने इतना आगे बढ़ाया है हमें, हमारे कश्यप प्रभु जी, अजय प्रभु जी, ये सब भक्त गुड़गांव के भक्त जितने भी थे, छोटा से खर्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं इनके पास चले जाते थे, क्योंकि गुड़गांव में तो किसी को नहीं जानते थे। तो इन्होंने एक जैसे पिता या एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की हर तरह से मदद करता है, मतलब हर तरह से मदद, जैसे कि कई बार क्या होता था जैसे एकादशी का कीर्तन है तो शाम को ऑफिस से सीधा घर पे चले जाते थे इनके, तो शाम को जाते ही मैंने सोना बाबी ने बोला कुछ भूख लगी होगी कुछ दे देती हूँ, उन्होंने कहा कि कीर्तन कर लो, मैंने बोला नहीं खा लो, मतलब हर तरह से ऐसे लगता ही था कि कोई कुछ है अपना परिवार जैसे, इतने लोगों का सब मिला। हाँ गुरुदेव के बारे में सुनने को मिलता था, फिर जब मार्च में गुरुदेव मैं जब गया नवदीप धाम तो वहाँ गुरुदेव के दर्शन हुए, फिर अजय प्रभु जी ने कहा कि आप हरिनाम ले लो, तब मैंने हरिनाम मेरा हो गया था गुरुदेव से, वैष्णव की कृपा से ही हुआ। और फिर वहाँ पे गुरुदेव के बारे में तब क्या था इतनी महिमा उस तरह से तो पता नहीं थी, बस हरिनाम हुआ है। गुरुदेव ने मुझे बोला, मैंने गुरुदेव को बोला गुरुदेव हम लोग पंजाबी हैं हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, तो मैं चाहता था कि गुरुदेव मुझे एलो करते कि प्याज लहसुन भी खाते रहो और माला भी करते रहो। तो गुरुदेव ने मुझे बोला कि देखो जो चीज़ करनी है उस पर ध्यान दो, जो चीज़ नहीं करनी वो अपने आप छूट जाएगी, यही बोला बस, ऐसे नहीं बोला कि खाओ या ना खाओ ये नहीं बोला, लेकिन मेरी आगे इच्छा ही नहीं हुई, सोचा शायद मैं खा लूंगा लेकिन इच्छा ही नहीं हुई उसके बाद आके। उसके बाद क्या मैं तो गुड़गांव में अकेला ही रहता था, अपना प्रसाद बना के खा लेता था या भक्तों का संग था ही, वहाँ पे कोई ऐसे भीड़ नहीं होता था। उसके बाद गुरुदेव के बारे में तो सुनने को मिलता ही था, बीच बीच में जैसे हर्षप्रभु ने बताया कि हम लोग यहाँ भी आए आनंद धाम में, यहाँ पे हर्षप्रभु का जब हरिनाम हुआ तब भी गुरुदेव के दर्शन, कभी कभी मैं दिल्ली मठ में भी चला जाता था क्योंकि लास्ट में अस्वस्थ लीला लेकिन गुरुदेव दिल्ली मठ में भी रहे हैं, तब मुझे कभी कभी बुला लेते थे, वहाँ पे बलराम प्रभु जी थे वो बुला लेते थे कि आ जाओ गुरुदेव के दर्शन कर सकते हो, आज कोई नहीं है तो मैं वहाँ पे गुरुदेव के दर्शन करने चला जाता था। तो गुरुदेव पूछते थे तुम्हारा नाम क्या है, इस प्रकार से इतना थोड़ा बहुत वार्तालाप हुआ था, लेकिन फिर भी गुरुदेव की यथार्थ महिमा क्या है, गुरु तत्व किसको कहते हैं, ये चीजें अभी भी उस तरह से क्लियर नहीं थी। हरिनाम करने लग गए थे और एक कीड़ा मठ के साथ जुड़ गए थे। फिर समय बीतता गया, उसके बाद फिर हम लोग जैसे प्रभु जी ने बताया ना, महाराज जी ने आज्ञा दी कि आप लोग वृंदावन आते हो तो परमेश्वर प्रभु जी का संग किया करो, तो परमेश्वर प्रभु जी से हमें कथा सुनने को मिलती थी, और फिर हमें कई चीजें क्लियर हुई, ग्रंथों का अध्ययन हुआ, माधुर्य कादंबरी का पाठ हुआ, तब समझ में आया कि हम लोग कितने बड़े विशाल समुद्र से जुड़ गए हैं, जहाँ पे जितना मर्जी मोती लेते हो लेकिन उस समुद्र को क्या बोला गया, रत्नाकर बोला गया ना, तो उस समुद्र क्या है, रत्नाकर है, उसमें कितने मर्जी मोती लेते हो लेकिन वो समुद्र में कभी भी अंत होने वाला नहीं है मोतियों का। तो जिस संप्रदाय से जिस गुरु परंपरा से हम लोग जुड़े हैं, खास करके शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के अनुगत्य में, भक्ति पिता नारायण गोसाई महाराज, भक्ति पिता वामन गोसाई महाराज, हमारे गुरुदेव महाराज जी, भक्तिविधान श्रीधर महाराज जी, ये जो संप्रदाय है ये जो परंपरा है ना, इसमें इतनी कथा है इतना आनंद है, मतलब कि कह ही नहीं सकते, कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि पहले क्या था, कथाएं तो पहले भी रामकृष्ण की भक्ति कौन नहीं करता भारत में, सब करते हैं थोड़ा बहुत तो सबको पता है, लेकिन उनका जो गोपियों का तत्व क्या है, गोपियों के प्रेम की महिमा क्या है, वो किसको पता था, किसे कैसे पता चलता, हमारे गुरुदेव ने बताया, ये सब चीजें किसने स्थापित करी, गुरुदेव ने, उनके जितने भी अनुगत्य में जितने भी भक्त हैं उन सबको किस प्रकार से उनके हृदय का मैं ये सब कथाएं, और चैतन्य महाप्रभु के विषय में तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, पंजाब में रहते थे तो, लेकिन जब यहाँ पे आए मठ से जुड़े तब कितनी बार हम वृंदावन आ चुके थे, अभी पता ही नहीं था कुछ, ऐसे आके चले जाते थे दर्शन करके सब मंदिरों में, फिर यहाँ पे आके एक एक चीज ऐसे क्लियर होती थी। और गुरुदेव का क्या वैशिष्ट्य बताएं, बता ही नहीं सकते, वाणी का विषय ही नहीं है, जैसे वहाँ पे तुलसीदास जी रामायण में लिखते ना, विधि हरिहर कभी कोविद वाणी कहता संत महिमा सब जानी, कि विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि अर्थात विष्णु,
हर अर्थात शिव जी, कवि मतलब पंडित, कोविद जितने भी हुए तत्व ज्ञाता, विधि हरिहर कवि, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत संत महिमा सब पुचानी, वो भी संत की महिमा कहते हुए सब पुचा जाते हैं, मतलब कितना कहें। फिर आगे क्या कहते हैं, सोम वंश कहीं जात नज कैसे क्या साग बनी का मणिकुंडन जैसे, कि वो संत की महिमा कह कितने बैठते हैं तो मेरे से कैसे नहीं कहे जाते कि एक साग बेचने वाला व्यक्ति है उसके पास क्या होगा, मूली गोभी आलू बैंगन, उस व्यक्ति को दे दीजिए मोती और मानी, भाई इसको बेचो तो वो क्या मतलब आएगा उसकी, उसको पता ही नहीं। वो देख बोलेगा भैया ये मूली ले लो बहुत अच्छी है, यमुना किनारे की है बड़ी अच्छी है, लेकिन उसको दे दिए मोती मानिक दे दिए। तो कहते हैं साग बनी बनी गुणगन जैसे, साग जो बनी क्या है, साग बेचने वाला बढ़िया है जो, वो मणियों के गुणगन कैसे गा सकता है, इसी प्रकार ऐसे संतों की महिमा हम कैसे अपनी टूटी हुई जो बुद्धि है जो जुबान है उसे कैसे गा सकता हूँ, इनकी महिमा तो तभी समझ आ सकती है जब क्या हुआ इनके गुणों का संग करेंगे। जैसे एक भजन है भक्तिमोहन ठाकुर उसमें लिखते हैं, राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महादेव, गण संग ना कहे जीवन केवल ऐसे श्यामानंद रस सिंधु स्नानंद अभी मैं पूजा है मैंने। क्या बोल रहे हैं कि राधा जी का भाव तो बहुत ही गंभीर है, इतना गंभीर भाव है कि जब उद्धव जी आए हैं तो उन्होंने राधा जी को कैसे देखा, मानो एक मूर्ति सी खड़ी हो गई, बिल्कुल गंभीर, ना कोई जैसे किसी प्रकार का कोई पता ही नहीं चल रहा, लेकिन उन्हीं भावों को वही राधा जी के भावों को तो चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करने आए थे, लेकिन जब वो उन भावों का आस्वादन करते तो उनका क्या हो जाता था, शरीर की गांठें खुल जाती थी, कभी बहुत बड़े हो जाते थे कभी छोटे हो जाते थे, कभी समुद्र में छलांग लगा देते थे, तो वो राधा जी का भाव कैसा होगा जो कृष्ण की झेल नहीं पा रहे चैतन्य महाप्रभु बन के, लेकिन कितना गंभीर है कि वो आराम से ऐसे बैठे हैं राधा जी, जो उद्धव जी आए उन्होंने क्या देखा राधा जी को ऐसे बैठे हैं। तो क्या लिख रहे हैं तीनों ठाकुर, राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महादेव, जिनका चित्त बहुत ही धीर है, गर्भसंग ना कहे जी में, अरे ये जो राधा जी का भाव है इनका जो चित्त इतना धीर है ये हम कैसे समझेंगे जब तक उनके गुणों का संग नहीं करेंगे, राधा जी के गुणों का रूप मंजरी का हृदय मंजरी का इनका संग नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, गर्भसंग ना कहे जीवन ने केवल ऐसे श्याम आनंद, वो श्याम भगवान का जो आनंद है वो रस सिंधु स्नान, उस रस के सिंधु में उस रस का जो सागर है उसमें कोई व्यक्ति कैसे स्नान कर पाएगा, लभी में पूछा गया मैंने। तो जब तक कोई व्यक्ति इन संतों का संग नहीं करेगा, इनके अवस्थे में जिन्होंने भजन किया है उनका संग नहीं करेगा तो वो कैसे जान पाएगा। अगर आपको सच्ची बात बोलूं तो अगर कोई परमेश्वर प्रभु जी की कथा सुनता है ना एक दो दिन तो उसको बहुत ही हार्श लगता है, हम लोगों को बहुत हार्श लगती थी शुरू में, हार्श समझते ना मतलब कुछ भी रस नहीं ऐसे लगता था ऐसे, और प्रभु जी की थोड़ी आवाज भी थोड़ी खराब, पीछे कुछ साल पहले वो हुई थी लटकाती है तो इसलिए प्रभु जी की कथा समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन जब करते गए करते गए करते गए तब पता चला कि कितना कुछ छुपा हुआ है अंदर इस कथा में प्रभु जी की, क्योंकि उन्होंने कितना संग किया है, श्री गुरुदेव का संग किया है, और गुरुदेव की महिमा भी बताई ना प्रभु ने कि उन्होंने क्या किया, जितने भी पार किए शिष्य जो जितने भी हमारे महाराज जी हैं, हमारे महाराज जी बैठे हैं, हमारे माधव महाराज जी हैं, हमारे तीर्थ महाराज जी थे, सब ये गुरुदेव के शिष्य नहीं थे, श्रीला बाबन गोसाई महाराज जी की शिक्षा थी, क्योंकि गुरुदेव ने इनको कैसे कितना जो है पंडित बना दिया था, भक्त बना दिया पूरा, कथा सुना सुना के ऐसा, और किस तरह से मठ चलाते थे प्रभु जी बताते हैं, प्रभु जी कैसे बताते हैं, कहते तुम लोग क्या समझते हो, कहते एक समय आ गया था कि हमें गुरुदेव के दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, एक समय तो यह आ गया 2008-07 के समय, इतना प्रचार बढ़ गया कि इस आनंद धाम में भी जगह नहीं होती थी घुसने की, और हम लोग कहते जो इतने पुराने गुरुदेव के समय दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, आज्ञा लेनी पड़ती थी, और एक समय कैसा था कि गुरुदेव बैठे हैं यहाँ पे कुर्सी लगा के, जैसे वो प्रभु जी बैठे हैं और कुर्सी लगा के बैठे हैं मथुरा मठ में, और हम लोगों को अगर निकलना है ना सामने से तो हम लोग डरते थे क्योंकि बुला लेंगे बता कितनी वाला थी ये वाला तब तो बताओ, तो हम लोग कहते हाथ में गोभी का फूल उठा रहे थे, थोड़ा भाग लेते थे कि गुरुदेव को लगे तो सेवा में है, इसको बुलाना ठीक नहीं है, तो प्रभु जी कहते हम लोग ऐसे ऐसे वाला समय देखा था गुरुदेव के साथ कि गुरुदेव तो बैठे हैं कुर्सी लगा के बीच में बिल्कुल मठ में, कि कहीं ना कहीं बुलाने हर व्यक्ति को पूछेंगे हर जो भी वहां पे भजन करने आए, तो गुरुदेव ने ये नहीं है कि हाँ शिष्य बना लेंगे और पता नहीं क्या, जैसे कि तुलसीदास जी क्या लिखते हैं अर्जुन की 300 साल पहले ही अर्जुन के लक्षण लिख दिए क्या, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा एक न सुनी एक नहीं देखा, कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा हो जाएगा अंधे और बहरे जैसा, गुरु जी को तो दिखता नहीं कि शिष्य कहां जा रहा और शिष्य को सुनता नहीं, अगर गुरु जी को दिखता भी है और शिष्य को टोकते हैं भैया तू माला नहीं करता तू सारा दिन लोगों को कथा सुनाने में लगा रहता है अपना वचन देना क्या है, तो गुरु जी को अगर दिखता भी है तो शिष्य को बोलता भी है तो शिष्य सुनता ही नहीं है, वो कहता नहीं गुरुदेव में तो प्रचार ही करूंगा, तो ऐसे वाले गुरुदेव नहीं थे हमारे,
उन्होंने पहले इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि अपनी प्रगति इसकी हो रही है कि नहीं हो रही। जितने भी शिष्य उनके पास, जितने भी कोई उनका अपना शिष्य है या किसी और का, सबको आगे बढ़ाया भजन में। उसके बाद फिर जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है ना कि प्रचार क्या है, भजन का डकार है। जो अपना भजन कोई व्यक्ति करेगा बहुत ज्यादा, तब फिर प्रचार अपने आप हो जाएगा। क्या गुरुदेव ने प्रचार किया? प्रचार हो गया, किया नहीं उन्होंने, अपने आप हो गया। गुरुदेव तो कैसा 40 साल लगातार रहते मथुरा मठ में, कैसे भजन किया है, कितनी ही बातें हम लोग सुनेंगे। प्रभु जी बताते हैं कि बात कैसे साधन करवाते थे, जिसके घर में मथुरा कीर्तन करने जाना है उसके घर में सब पूरी मंडली को लेके आना, वहाँ सफाई करना, जाके कुछ भी लेके नहीं आना, रात को 11-11 बजे तक वहाँ बैठ के कथाएं सुनाते थे मथुरा वासियों को। बुढ़ी दीदी बताती है मथुरा के लोग तो बंगाली को घुसे ही कहते थे, बोलते थे बंगाली जादू टोना कर देंगे, ये काला जादू जानते हैं। तो धीरे धीरे जो गुरुदेव तो इग्नोर कर दिए थे, उन्होंने जाकर प्रचार किया, कथाएं शुरू की, तो फिर कैसे कैसे तत्वों को स्थापित कर दिया। और मथुरा के पंडित तक सब जो कहते थे कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, गुरुदेव ने स्थापित कर दिया कि नहीं, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? गोकुल में। आज कौन हुआ हमारे बूढ़े मठ का, जिस व्यक्ति को छोटे से बच्चे को भी पता है कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? गोकुल में हुआ है। तो ये कथाएं किससे मिली? हमारे गुरुदेव से। अभी राय रामानंद सभा चल रहा है हमारा प्रभु जी के पास मठ में। तो राय रामानंद सभा जब शुरू हुआ तो प्रभु जी ने बताया कि राय रामानंद जी ने महाप्रभु तो समुद्र है, महाप्रभु को क्या बना दिया राय रामानंद जी ने? रत्नाकर बना दिया। तो हमें समझ नहीं आई बात, फिर उसको गुरुदेव की टीका से समझाया, गुरुदेव ने टीका की है, एक मिनट में बताता हूँ। तो वहां पे बताते हैं कि रत्नाकर समुद्र क्या होता है, खारा होता है समुद्र का पानी, उसको सीधा पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे, पी भी नहीं सकते, इतना ज्यादा नमक होता है उसमें। लेकिन समुद्र का पानी जब वाष्पीकरण होकर ऊपर उड़ जाता है तो बादल बन जाता है, बादल बन के वही समुद्र का पानी मीठा होकर जब बरसता है तो फिर वो सीपी के रूप में जब जाता है तो वो क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। तो समुद्र क्या बन जाता है? रत्नाकर बन जाता है, अपने ही पानी है समुद्र का। लेकिन पहले की मंत्रा से जब बादल के द्वारा आया तो मोती बन गया। इसी प्रकार क्या किया हमारे गुरुदेव ने, जितनी भी ठाकुर जी की कथाएं हैं जो आई गुरुदेव के माध्यम से, ये क्या बन गए? ठाकुर जी भी हमारे रत्नाकर बना दिए, उसको हमारी पूरी संप्रदाय को रत्नाकर बना दिए गुरुदेव ने। तो ये हमारे गुरुदेव का वैशिष्ट है, हम ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें इतना आगे बढ़ाया। और कुछ ये बात कहते हैं, एक मूवी में भी सुना था कि अगर एक स्त्री का पुरुष से विवाह हो, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज हो, और अगर उसको धीरे धीरे अपने पति के गुण पता लगे ना तो वो ज्यादा अच्छा होता है, उससे प्यार बढ़ता है। इसी प्रकार प्रभु जी ने कहा था कि अभी तो उन लोगों का क्या हुआ है गुरुदेव से, जैसे प्रभुपाद बोलते ना मंत्र काने कृपा वो वाला हुआ है, लेकिन जब धीरे धीरे भजन करोगे अनुभव आएंगे फिर पता चलेगी अपने गुरुदेव की यथार्थ महिमा, की गुरुदेव क्या लेने आए थे, कितने महान थे हमारे गुरुदेव। तो यही सब चीजें हैं जिसका हम तब अनुभव कर सकते हैं जब हम गुरुदेव जिस स्मारक में हमें चलाना चाहते थे, जिस प्रकार से चाहते थे हम लोग हरि नाम करें, भजन करें, वृंदावन आए, संतों का अनुगत्य करें, अगर हम करें तो फिर हमें पता चलेगा अपने आप, फिर ये कहने का विषय नहीं रहेगा। वांछा कर तो हुए चित पास हैं तो हुए चित का नाम पावे जो रहे जो नाम कारण
कोई भी उनके जो सामने आ गया उस पर कृपा बरस पड़ी। उन्होंने कोई विचार नहीं किया कि ये कैसा है क्या है, सबको बांटते चले गए, सबका उद्धार कर दिया, जो भी आया सब पवित्र हो गए। कल मैंने कहा था गुरुदेव कैसे पहली सभा में उन्होंने कहा कि मुक्ति किसको चाहिए, हाथ खड़ा करो। अब हमारे जीवन में एक ऐसा घटना घटी जब उन्होंने ये काम करके दिखाया मेरे आंखों के सामने। मैं आपको ये बात बताता हूँ, शुरू शुरू के दिन थे 92, 93, 94 ऐसे सब सारा होगा। हम लोग हमारे सोमनाथ जी के घर में गुरुदेव आया करते थे, उस समय उनके घर में थे। तो उसके एक साल पहले मेरी पत्नी की जो कजन सिस्टर है उसकी कम उम्र में ही उसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी। कुछ बीमारी हुई उसको, उससे छोटी थी, कितने 23 साल की होगी, 23-24 साल। और बड़ा उनके संबंध बड़ा क्लोज था, बड़े आत्मीय संबंध था दोनों का, साथ साथ ही बड़े हुए थे। तो जैसे ये हुआ तो उसको बहुत ज़बरदस्त झटका लगा और वो एक साल तक रोती रही। आप मानोगे नहीं, एक साल जब भी याद करती रोने लगे। तो हम लोग गुरुदेव के पास गए सोमनाथ जी के घर, तो वहाँ पे उसने गुरुदेव के दर्शन करे और फिर पलक पलक के रोने लगे जोर जोर से, एकदम आंखों में आंसू आ गए। तो गुरुदेव तो उधर थोड़ा दूर थे, कितने दयालु महाराज जी, आप ये देखो। और क्या उन्होंने किया, गुरुदेव फटाफट भाग के आए, अरे बेटी क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके तो आंसू तो बोल नहीं पा रहे थे, आंसू यहाँ तक नीचे गिरे जा रहे थे, बताए भी क्या, बस रो रही थी। तो मैंने बोला महाराज जी इसकी एक बहन कजन सिस्टर थी, उसकी एक साल पहले मृत्यु हो गई कम उम्र में, उसको बड़ा धक्का लगा। तो महाराज कहते अरे तुम लोग समझते नहीं, कोई मरता नहीं, आपको ऐसा उन्होंने बोला तत्व की बात, हम लोग कहाँ समझते, तुम समझते नहीं होता कितना। फिर महाराज ने पता क्या कहा, फिर महाराज गंभीर हो गए और ऐसे देखने लगे और फिर उन्होंने आँखें बंद कर ली। आप देखो गुरु क्या होता है, आँखें बंद करी और उन्होंने हाथ ऐसे ऊपर किया और फिर बताए ऐसे चुटकी बताई क्या किया, ऐसे करके ऐसे किया आँख बंद करके, और उन्होंने कहा अब मैंने उसको अपने पास बुला लिया, तेरी बहन को मैंने अपने पास बुला। मतलब कितनी शक्ति। अच्छा मेरी बुद्धि कैसी थी उस समय, मैं तो नया नया भक्ति में था, मुझे लगा कि गुरुदेव शायद ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे कौन ऐसे बुला सकता अपने, मुझे लगा कि शायद उसको आराम मिलेगा रोने के लिए इसलिए शायद ऐसे बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जिस तरह से गुरुदेव ने वो आंखें बंद करी थी और जिस तरह से कॉन्फिडेंटली बोला था मैंने उसे अपने चरणों में बुला लिया। अब आप जरा सोचो इस बात को, उसका नाम सिमी था उस लड़की का नाम, उसकी बहन का, कभी उसने मतलब गुरुदेव से मिले नहीं आज तक। थोड़ा बहुत हरिनाम करती थी, मेरी पत्नी ने इसको दिया था, पर हरिनाम तो करती थी लेकिन गुरुदेव से कभी मिली नहीं, कभी दर्शन देवे, कभी वृंदावन धाम नहीं आए। और कैसे महान कृपा हुई गुरुदेव, जिसने कुछ भी नहीं किया, खाली उसकी एक शिष्य की बहन है, इतना संबंध बस, एक शिष्य की बहन, और शिष्य भी कोई बहुत बड़ी शिष्य है, हम लोग तो क्या नए नवेले थे, अभी रोड पे घूम रहे थे, गुरुदेव मिल गए, किसी ने पहुंचा दिया वहां पर, हमारी कोई अवकाश नहीं, अभी भी नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं थे ऐसे हम लोग, और हमारे लिए गुरुदेव ने कितना बड़ा काम किया, जिसको मुनि लोग 60,000 साल तपस्या करके भी नहीं पाते, ऐसे गुरुदेव चुटकी बजा के बोले मेरे चरणों में आए, आप सोचिए। और उस दिन के बाद मेरी पत्नी रोई नहीं, उसको पूरा विश्वास हो गया कि ये उनके चरणों में आ गई है और कोई चिंता की बात नहीं, उसको एकदम आराम मिल गया। तो 60-150 साल से उसको हो ही नहीं पा रहा था, वो गुरुदेव ने एक चुटकी बजा के खत्म कर दिया। तो भैया ये साधु महात्मा कोई इस जगत के नहीं है, आप उनको पहचानो, आज भी पहचानोगे, सामने बैठे इनको पहचानो, जाने के बाद पहचानोगे तो क्या, तो सामने बैठे इनको पहचानोगे, ये कोई जगत के नहीं है। मैं सोमनाथ प्रभु जी के घर की बात करी, हम लोग गुरुदेव शुरू शुरू में उनके घर जाया करते थे, उनका घर बड़ा सुंदर था, एक मार्बल का फर्श और गुरुदेव आते बैठते, इतनी बढ़िया सभा होती थी, इतना आनंद आता था। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि हमारे भी ऐसा करो, गुरुदेव का भी घर है, ऐसा मार्बल लगाओ और महाराज जी का भी घर आए हमारे, हमको सेवा करें, तो ऐसी इच्छा हुई। लेकिन कोई दूर दूर तक कोई वो उसका था नहीं, ना तो गुरुदेव घर होने का कोई चांस था, ना गुरुदेव का आने का कोई चांस, दोनों ही कोई चांस थी। लेकिन पता नहीं कैसे हमारे पूज्य महाराज जी की बड़ी कृपा हुई, श्रीधर महाराज जी ने बहुत कृपा कर दिया। जब मैं घर देख रहा था अपना,
सबसे पहले हमारे घर में महाराज जी प्रवेश किया। सबसे पहले अभी घर टूटा हुआ था, बन ही रहा था, महाराज जी के चरण पड़े। आप देखो संत महात्मा के चरण जो ना बड़े कल्याणकारी, बड़े कल्याणकारी। हम नहीं जानते क्या कर सकते हैं, महाराज जी के चरण पड़े तो गुरुदेव के चरण पड़े। ऐसे गुरुदेव के शिष्य अगर आपके पास आ जाए, उनसे आपका कॉन्टेक्ट हो जाए तो गुरुदेव आएंगे आएंगे। इसलिए भैया सीधे भगवान तक कोई नहीं जा सकता, सीधे गुरु तक भी नहीं जा सकता, भगवान को छोड़ो। इसलिए पहले हमारे भक्त लोग हमें मिले, उनका उनका हम सम्मान करें। माँ जी हमारे घर पे आए और उन्होंने देखा कहते हाई कर अच्छा ले, महाराज जी को दान आदेश दिया। तो हमने कहा लेके जरूरी है, महाराज जी ने प्रसन्न किया। और फिर ऐसी कृपा हुई गुरुदेव की कि गुरुदेव एक बार दो बार तीन बार नहीं कई बार घर आए, और एक दिन दो दिन तीन दिन नहीं आते तो हफ्ता हफ्ता रुक जाते, पाँच दिन रुक जाते, छः दिन रुक जाते। जब उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो घर पर आके वहाँ विश्राम करने आते थे। हमारे कथा वथा होती थी शाम को, लेकिन बड़े रूप में नहीं कहते मैं थोड़ा विश्राम कर। और जब उनको थोड़ा सा वहाँ से अच्छा लगता था ठीक हो जाते थे ऐसे। और हमारी कोई योग्यता नहीं, बिल्कुल भी योग्यता नहीं, हम तो उनको पहचानते भी नहीं थे। हम तो सोचते महात्मा जी साधारण से लाल कपड़े पहनते और क्या। गुरुदेव ने एक बार सभा में कहा था, ध्यान से सुनना, गुरुदेव मथुरा में महल सिंह सभा में था, मथुरा मठ में हमारे गुरुदेव पता क्या कहते कह रहे हैं, अरे तुम लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं ये गुरुदेव है ना, थोड़े शास्त्र पढ़ लिए उन्होंने, थोड़ा सा अनुभव हो गया, हमसे थोड़ा ज्यादा जानते हैं, यही तो सोचते तुम लोग। ऐसी बात नहीं है, जब तुम्हें पता चलेगा गुरु जी कौन है तब तुम रहोगे, लेकिन अभी तुम मेरे को नहीं जाऊंगे, जब मैं चले जाऊंगा तब तुम कुछ कुछ जानोगे, यही बात। और हमें अभी कुछ कुछ पता चलता है तो जरूर बना कि ऐसे बड़े महात्मा को हम पहचान नहीं सके, घर में आए हम पहचान नहीं सके, घर में आके इतने साथ दिन दिन रह गए, बातें कर गए, क्या क्या कर गए, तो उनको जाना नहीं। घर में आए एक बार कैसे गुरुदेव परम भागवत है, हम तो उनको पहचान नहीं सकते, हमारी तो कोई शक्ति नहीं, लेकिन गुरुदेव कृपा करके इशारे करते हैं, लेकिन हम इशारों को भी कहाँ पकड़ पाते हैं। वो तो कुछ इशारे करते हैं, कुछ एक झलक से बताते हैं, नहीं तो हमारे पास कोई उपाय भी नहीं, उनको जान देगा। तो एक बार हमारे घर पे आए और मैंने देखा कि गुरुदेव की नजर नहीं आ रही, कहाँ चले गए, ढूंढ रहा हूँ इधर उधर कहीं मिले नहीं। गया पीछे भक्त लोग भी नजर नहीं आ रहे, उनके साथ तो दस पंद्रह भक्त आते थे हमसे, एकदम मेला लगा रहता था पूरे घर में। तो हमने देखा मिले नहीं, मैं छत पे चले गया, तो छत पे जाके देखा वहाँ धूप खिली हुई थी, सर्दी का समय था, वहाँ पे प्रॉपर एक चारपाई हमारी पड़ी थी, उन्होंने मुझको बिछा के बढ़िया से मसाज सी मिली थी, बुरे मस्त मसाज देखा। और महाराज जी आपके घर आते ना पूरे घर को अपना समझते थे, सब कुछ ढूंढ लेते वहाँ कहाँ जा रहे हैं क्या करते, आपको नहीं पता होगा महाराज जी उनके भगवान पहुँच जाते थे, उन्होंने अपने भी सारी व्यवस्था के लिए कुछ हमें बोला नहीं। उन्होंने कहा यहाँ तो बढ़िया, सारे लोग बैठे चारों तरफ, रामचंद्र को कुछ टीचर लोग और सब मसाज कर रहे हैं। मैंने कहा तो बड़ा अच्छी जगह ढूंढी, धूप भी खिली हुई थी, तो मैं भी लग गया मसाज करने, मैंने कहा चरण नहीं पकड़ लेता अच्छा मौका है, तो हमने तो चरण के नीचे से हमने उनका आता है तो मसाज करना, अब ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई, हाथ पकड़े कुछ और पकड़े, तो हमने चरण के नीचे तेल लगाया, तेल लगाना था तो महाराज जाते थे तो मुस्कुराने लग गए। तो रामचंद्र को कहते हैं महाराज जी आपके चरण कितने सुकोमल है, कितने सुंदर है आपका शरीर। तो महाराज कहता मेरा शरीर तो इससे कई गुना सुंदर है, तुम कह ऐसे हमारा इशारा किया, आप समझो कौन सा शरीर की बात करें, क्या बात करें, मंजरी स्वरूप की बात करें, है मेरा तो बहुत सुंदर ही है ऐसा उन्होंने। एक बार और उन्होंने ऐसा इशारा किया खुद, अब गुरुदेव क्या करिए, थोड़ी बोलेंगे मैं मंदिर, अरे तुम समझ रहे समझ है ना, समझ ना हमारे ऐसे अनाड़ी लोग क्या समझेंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक बार हम लोग गुरुदेव दरबी पार्क घूमने जाते थे रोज मथुरा से, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक में, तो मैं कुछ नहीं रहा दूसरे मठ में, और मैं नीचे कमरे में था जहाँ से निकलते थे, तो मैं गुरुदेव को रोज दर्शन करके माला बनाता था, मैं तक किसी बहाने गुरुदेव के पास जा दिन पहले माला बनाता फिर उनके साथ साथ चल पड़ता था। तो एक बार हम लोग जाके वापस आ रहे थे, तो वो विजय मार्केट आता है, वहाँ एक मार्केट है उसके सामने से आ रहा, तो आते टाइम साढ़े सात सात बजे जाते थे, स्कूल का टाइम जाता था, तो दो छोटे छोटे बच्चे रस्ता लेके सामने जा रहे थे, हम पीछे पीछे आ रहे थे, गुरु जी बीच में सारे रामचंद्र को इस तरफ में शायद रविंद्र भी होंगे दो तीन लोग होते ऐसे ऐसे आ रहे थे सामने, दो छोटे छोटे बच्चे थे बैग बस्ता लेके, तो ऐसे नाम करे तो उन्होंने पीछे देखा था बच्चों ने, और पीछे देखा और गुरु जी बोला राधे राधे, गुरु ऐसे राधे राधे बोला राधे राधे, तो गुरु जी ऐसे मुस्करा दिए, फिर एकदम शांत थोड़े नाम करे, थोड़ी देर बाद रामचंद्र को बोलते हैं कि अरे
जिसको देखकर भगवान का नाम याद आ जाए उसको क्या कहते हैं, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो जाधर में आप देखो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है कि जिसको देखते ही भगवान का नाम जवान पर आ जाए वो महाभागवत है, उसको महाभागवत की पहचान। तो उन्हें रामचंद्र को इशारा किया, फिर चुपचाप अपना नाम करते रामचंद्र ने जवाब दिया कि उसको तो महाभागवत है। तो इस तरह से छोटे छोटे इशारे गुरु ने स्मरण कर रहे, हम लोग तो उनकी पहचान को सक्षम नहीं है। तो इसलिए आज बड़ा ही अच्छा दिन है, गुरु जी कहने में बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यहाँ की बहुत यादें हैं, एक नाथ बड़े बड़े दर्शन मार रहे हैं। तो ये सब लोग अपने अपने पुष्पाणी गुरु के चरणों में देंगे, तो आप सभी के चरणों में श्री महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सबकी अनुमति कृपा की वाचा करता हूँ, और गुरुदेव के चरणों में भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और कभी किसी जन्म में हम उनको जान पाएँ, उनके स्वरूप को जाने, कौन है वो, क्या किया उन्होंने हमारे साथ, किस लिए आए थे, इसको हम पहचाने वन साइकिल। हरे कृष्णा। अनिरुद्ध प्रभु जी गुरु जी का शिष्य, गुरु जी की जो शिष्य अनिरुद्ध प्रभु जी, गुड़गांव वाले। हाँ प्रभु, आप कहाँ हो? जी प्रभु है, साथ ही जी कहाँ है? अरे आप प्रभु, हरे कृष्ण। और यही प्रभु जल्दी आओ, डबल मास्क लगा रखा, चुपके बैठे। गुरुदेव का शिष्य में अगर कोई बोलना चाहे तो आप मेरे को बता दीजिएगा। तो गुरु जी के शिष्य है जो पुष्पांजलि देना चाहते हैं गुरु जी के चरण में, मेरे को बताना, आपको चांस देना। श्री कृष्ण लीला कथने सुलचन अदर मधुर गने वरवरेण पुरुषं महांतं नारायणं त्वं शिरसा। ऐसे मेरे गुरुदेव श्री भक्ति विराट नारायण गोस्वामी महाराज जो राधा कृष्ण की लीलाओं की कथा करने में दक्ष से भी सुदक्ष है, अवतार और माधुर्य के रूप मान स्वरूप, ऐसे श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके सेवा से उनके चरणों से वैष्णव जनों की नजर कैला जी के सहयोग से अभी अभी स्वादिष्ट प्रसाद आया, बाहर सुंदर सुंदर निकल रही है और निद्रा देवी का सेवा करने का पूरा मन कर रहा है। ऐसे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, उस पर भी मैंने दो मास्क लगाए पीछे बैठा, फिर भी महाराज जी ने मुझे पकड़ लिया। मैं बचने की पूरी प्रयास कर रहा था और मुझे महाराज जी ऐसे खड़ा कर देते हैं, मुझे थोड़ा सा क्रोध जरूर आता महाराज जी पर कि ये मेरे को दंड देने के लिए। दंड कैसा होता है, मतलब किसी को जो चीज़ पसंद ना हो, ना आती ना हो और वही काम उसे करने को दे दिया जाए तो वो उसके लिए दंड होता है। तो मेरे लिए ये इस तरह से बाइक पकड़ के बोलना आप लोगों के सामने दंड भी है, तो महाराज जी मुझे दंड देते हैं ऐसा, परंतु थोड़ा बहुत क्योंकि गुरुजी के जब शरण में आए, वैष्णवों के साथ रहे, उनके साथ सुना, और 100 सुनते हैं तो उसमें से 0.1 ही अंदर जाता है, वैसे मेरा ग्रहण नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा मूर्ख हूँ, लेकिन इतना थोड़ा सा ये सुना कि जो वैष्णव होते हैं उनकी कथा अगर आप कुछ मुँह से बोल दें, अगर जय भी बोल दें तो वो भी कल्याण करती है। तो ये केवल अभी ये मेरी समझ में नहीं आया है और सुना है, इसीलिए इसी कारण से मैं अपने आप को समझाता हूँ कि महाराज जी शायद मुझे दंड नहीं दे रहे हैं, मुझे थोड़ा सा मेरी ही वाणी को पवित्र करने के लिए मुझे थोड़ा सा सुयोग दे रहे हैं। अभी वैष्णवों से सुना है, शास्त्रों में कहते हैं
कि भगवान का जो नाम है, जो हरि नाम है, उसको प्राकृत जिह्वा से नहीं लिया जा सकता, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। कल संजय प्रभु भी बता रहे हैं। इसी प्रकार से जो महत्पुरुष है, जैसे हमारे श्री गुरुदेव, ऐसे महत्पुरुषों का भी गान करना इस प्राकृत जिह्वा के द्वारा संभव है। परंतु जिस प्रकार कहते हैं कि प्राकृत जिह्वा के कारण से हरिनाम नहीं लिया जा सकता, परंतु फिर भी हम लेते हैं, तो हम जैसे जैसे इसकी सेवा करते जाएंगे, हरिनाम की सेवा, तो ये नाम एक दिन स्वयं ही हमको अपना स्वरूप प्रकट कराएगा। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम महत्पुरुषों की सेवा करते जाएंगे, वैसे वैसे उनका जो महत्व है, उनका जो चरित्र है उज्ज्वल, वो धीरे धीरे करके अपने आप ही हमको हमारे सामने उदित होता है। परंतु चूंकि मैंने तो सेवा करी नहीं, इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं। मैं गुरुदेव के साथ काफ़ी समय रहा, उनके आशीर्वाद थे, परंतु सेवा कुछ करी नहीं, तो समझ में कुछ आया नहीं कि गुरुदेव हैं कैसे। परंतु जिन लोगों ने सेवा करी, वो लोग अगर बताते हैं तो कुछ अब सुनने को मिलता है, और उसे समझने का कुछ प्रयास करते हैं, समझ में अभी भी नहीं आता है, और करते हैं थोड़ा बहुत। सो अभी हमारे साथ श्रीपाद श्रीधर महाराज जी, जिन्होंने गुरुदेव की इतनी सेवा करी, और वही उन गुरुदेव का जब महत्व तो बताते हैं, तब थोड़ा बहुत हमें सुनने की लालसा होती है, और अब गुरुदेव को समझना शुरू किया है। महाराज जी, हम आपको सुनने के लिए आए हैं, आप और जो वैष्णव हैं आपके आश्रित, उन सबको सुनने के लिए आए हैं, उनसे सुनकर थोड़ा बहुत हम गुरुदेव को समझने का प्रयास देता हूँ। जीत प्रभु जी, हरे कृष्णा, जीत प्रभु, जीत प्रभु जी, बाहर गए थे, कहाँ? हरे कृष्णा, जल्दी आ जाओ। जीत जीत प्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासनि कौर भक्त वृंदा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला पर विष्णु विष्णु पाद उसके बाद महाराज जी के भी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानु गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ, सभी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ, और यहाँ पर सभी समस्त दंडी पादगण ब्रह्मचारी वैष्णव माताएं दीदी प्रभु लोग सभी के चरणों में यथायोग्य दंड प्रणाम करता हूँ। आज हमारा बहुत सौभाग्य का दिन है, हम लोग अपने गुरुपाद पद कि महिमा कीर्तन श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इस उपलक्ष्य में हमने कल नगर संकीर्तन भी किया, बहुत सुंदर शोभा यात्रा हुई, और आज सभी गौड़ी मठ सीनियर वैष्णव लोग सन्यासी लोग ब्रह्मचारी लोग आएंगे, धीरे धीरे करके आ भी रहे हैं, वो हमारे महाराज जी के बारे में
महिमा का हमें श्रवण कराएंगे, तो मैं भी 5-10 मिनट गुरु जी की स्मरण करने के लिए, तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं भी कुछ गुरु जी के महिमा गुणगान का स्मरण करने का प्रयास करता हूँ महाराज जी के आदेश के अनुसार। जैसे कि कल हम लोग नित्यराम विष्णु और विष्णुपाद अष्टोदश शिष्य भक्ति विधान त्रिक महाराज की महिमा का श्रवण कर रहे थे, और आज उन्हीं के गुरु राता और हमारा परम आराध्य गुरुदेव की महिमा का कीर्तन कर, तो मैं कहता कल आचार्य का काम कौन कर सकते हैं जिसके अंदर चार गुण हो, त्रिनादति सुनिचे तरोरवि सहिष्णुना अमानिना मानदे और कीर्तनीय सदाहरी। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जिसके अंदर ये चार गुण होंगे वही आचार्य का काम कर सकते हैं। चार गुण से गुणी नहीं होंगे कोई भी इस जगत में आचार्य का काम नहीं कर सकते। तो हमारे गुरु जी के जीवन में हमने देखा कि उनकी कैसी बैन ने उनके अंदर कैसे त्रिनादति सुनी चेनते और तरो भी सहस गुणता थे, कैसे सबको सम्मान देते थे और अपने सम्मान की आशा भी रखते थे और कैसे हरिनाम कीर्तन करते थे। तो हमारे पूज्यपाद बामन गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में पहले तो परम गुरु जी की शरण में आए, देवानंद गौड़ी मठ में आए, गुरु जी सब कुछ त्याग करके आए और अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता के अनुगत्य में पूज्यपाद भक्ति विधान त्रिकर महाराज जी के अनुगत्य में रहकर अपने परम आराध्य गुरुदेव की उन्होंने तरह तरह से सेवा की कि ये गौड़ीय वैष्णव जो धर्म है ये अनुगत्य का धर्म है, और जब तक हम लोग अनुगत्य में रह के भजन नहीं करेंगे किसी सीनियर वैष्णव के अनुगत्य में या गुरु जी के अनुगत्य में भजन नहीं करेंगे, कभी भी कितना भी प्रयास कर ले हम लोग की भजन में कभी भी सिद्धि नहीं हो सकती। गुरुदेव एक श्लोक बारंबार कहते थे, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मरतो मनसेन कृष्णो मनसि व्यजन तिष्ठन व्रजानुरागी तदानुगामी जनानुगामी कालम मिलन फिल्म। इसमें तीन बार अनु अनु आया है, ये गुरु जी बारम्बार ये श्लोक कहते थे कि अनुगत्य धर्म अनुगत्य धर्म अनुगत्य धर्म, और वो आए तो देवानंद गौड़ी मठ में, परंतु उन्होंने क्या किया, गुरु जी का अनुगत्य किया और अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं का अनुगत्य किया और अनुगत्य में रहकर उन्होंने तरह तरह से सेवाएं की है। कोई भी किसी प्रकार की सलावती थी, गौड़ी विधान समिति के तीन स्तंभ थे और तीनों एक साथ बैठकर नवदीप परिक्रमा हो, ब्रजमंडल परिक्रमा हो या परम गुरु जी की किसी प्रकार की सेवा हो, तीनों बैठकर विचार कर कोई भी डिसीजन लेते थे। उनका डिसीजन जो पूज्य बामन गोस्वामी महाराज रहेंगे वही निर्णय हमारे गुरुदेव का रहेगा और वही निर्णय त्रिक महाराज जी का रहेगा। तो ये जो चीज है सीखने वाली चीज है, अगर कोई गुरु भ्राता प्रभुपाद जी जब अंतिम लीला प्रकाशित की उन्होंने एक ही बात बोली कि तुम लोग एक आश्रय जाति के अनुगत्य में मिलजुल कर विषय विग्रह गांधारी का गिरधारी राधा विरोध बिहारी की रूप रघुनाथ की वाणी का मिलजुल कर क्या करना, प्रयास करना एक आश्रय विग्रह गुरुदेव के अनुगत्य में रहकर। ये जो प्रभुपाद की मूल वाणी है, यदि जब तक ये वाणी का पालन करेंगे मठ मंदिर बहुत सुंदर रूप से चलेंगे, जब ही इसको भूल जाएंगे बाधाएं आने लगेगी। तो इन्होंने देखा गौड़ी विधान समिति को इतना परिश्रम के साथ एक उद्देश्य को लेकर भावना को लेकर गुरु सेवा के लिए उन्होंने बढ़ाया और इतना सुंदर चली गौड़ी विधान समिति, चुचुड़ा में मठ बने, हरिद्वार में मठ बने, मथुरा में केशव जी गौड़ी मठ बना, जगह जगह मठ निर्माण होते रहे, ग्रंथों का प्रकाशन होता रहा, हरिनाम संकीर्तन होता रहा, नवदीप परिक्रमा चलती रही सुचारू में। जब परम गुरु जी के अंतर्धान होने के बाद देवानंद गौड़ी मठ में तीनों ने सेवाएं की है, एक पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना जगह जगह से ब्रह्मचारी लोग सन्यासी लोग आते थे, और जब पूज्य नित्यराज भक्ति बावन गोसे चलते थे, हमारे गुरुदेव चलते थे, इतने सन्यासी चलते थे उनके साथ, जो लोग हमारे सन्यासी वृंद देश बहुत सीनियर लोग जानते हैं, जो गौड़ी विधान समिति में चलते थे, जब परम गुरु जी की सेवा को लेकर जब चलते थे कुछ बावन गुस्से में, कितने सन्यासी चलते थे उस समय, बहुत देवानंद गौड़ी मठ का बहुत ज्यादा नाम था क्योंकि तीनों ने क्या किया, गुरुदेव की सेवाएं की है। ऐसे ही गुरु जी के जीवन का उनको मथुरा केशव जी गौड़ी मठ का दायित्व सौंप दिया। अभी क्या हुआ, केशव जी गौड़ी मठ बना लगभग आज से कम 70 साल पहले, परम गुरु जी ने केशव जी गौड़ी मठ की स्थापना की,
वहां पर पहले कोई मठ नहीं था, तो जो भी लोग आते थे वृंदावन में मथुरा में, तो वो केशव जी वार्ड में ढोके जाते थे। वो वहां पर हमारे गुरुदेव ने बड़े बड़े कृपाल के आश्रित जनों की क्या की सेवाएं की है, क्योंकि ये सेवा धर्म है, ये अनुभक्त धर्म है, ये वैष्णव धर्म है, ये भागवत धर्म है। इसमें क्या सेवाई, जब तक हम लोग गुरु वैष्णव की सेवाएं नहीं करेंगे तब तक हमारा मंगल होने वाला नहीं है। तो जो भी कृपाल जी के आश्रित जन आते थे, गुरुदेव बहुत आदर के साथ मथुरा स्टेशन से लेके आते थे और उनको प्रसाद कराते थे। पता लगा आने वाले हैं, ट्रेन लेट हो गई है, गुरु जी को प्रसाद का भी टाइम हो गया है, तो जब तक प्रसाद नहीं पाते थे, आज बहुत सीनियर सन्यासी आने वाले हैं और उनको मथुरा मठ में आके बड़े आदर के साथ प्रसाद कराने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करते थे। इसलिए जिन्होंने सीनियर वैष्णव की सेवाएं नहीं की, जिन बड़े बड़े भक्तों की सेवाएं नहीं की, कृपाल के आश्रित जनों की सेवाएं नहीं की है, गुरु जी कहते थे नित्य लीला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी का पहला शिष्य मैं हूं। जब मैं सब कुछ छोड़ के आया तो मैं उनकी क्या करता था, मैं उनकी दंड को लेकर, उनके वस्त्रों को लेकर गंगा स्नान करने के लिए जाता था, मैं उनके लिए रसोई बनाता था। और एक समय हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे तो मैं बस अपने पूर्व आश्रम से रोटी लेकर आया था। तो पहले महाराज जी ने स्नान किया, महाराज जी का स्नान कराया, जब उनको वस्त्र से मैं स्नान करने गया तो मेरा जो लोटा था वो भी पानी में गंगा जी में डूब गया। तो महाराज जी बड़े जोर जोर के हंसने लगे, कहते तुम पूर्व आश्रम की एक चीज लेके आए थे, वो भी महाप्रभु ने तुम्हारा छीन लिया। तो वे बहुत हंसने लगे, कह रहे मैं सबसे पहला शिष्य उनका भाई हूँ। नित्यानंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को बोले सबसे पहले शिष्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने उनकी जितनी सेवाएं की है। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जो भी कहते थे, मथुरा से पेड़े भेजने, विदेश में पेड़े गुरु जी भेजते थे, और जो यहाँ से मृदा भेज रहे थे गुरु जी भेजते थे। तो तरह उन्होंने क्या है, बहुत सीनियर सन्यासी की सेवाएं की है। और उन्होंने क्या किया है, उनके अंदर क्या थी, सहनशीलता कैसी थी, और बड़े से बड़ा कष्ट आने पर भी कभी घबराते नहीं थे। किसी ने चैतन्य गौड़ी मठ से, चैतन्य मठ से, मूल मठ चैतन्य मठ से पूछा, महाराज जी नारायण महाराज जी इतनी बड़ी परिक्रमा कैसे चला लेते हैं, हजार हजार लोग हैं, कम से कम भी 7,000, 8,000, 10,000 लोग चल रहे परिक्रमा में, कैसे चलाते। तो गुरु जी ने क्या कहा कि मैं परिक्रमा चलाता, मेरे गुरुदेव ने कहा था परिक्रमा चलाने वाले कौन है, गुरुदेव है, परिक्रमा कौन चलाते है, गौर नित्यानंद है। इसलिए जब भी गुरु जी रोज परिक्रमा में एक बात बोलते थे, आज श्री गुरु गौरांग गांधारी का गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी की विशेष कृपा से आज की परिक्रमा हमारी निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। फिर अगले दिन भी यही बात बोलेंगे, रोज यही बात बोलते थे। तो कहते मैं गुरु वर्गों का ऋणी हूँ, गौर नित्यानंद का मैं ऋणी हूँ, गौर नित्यानंद की कृपा ही चला रही है। तो कभी भी उन्होंने नहीं कहा परिक्रमा मैं चला रहा। ये शुद्ध वैष्णव का ये लक्षण होता है कि परिक्रमा कौन चला रहे, मेरे गुरुदेव चलाते। कहते गौर नित्यानंद चलाएंगे तो बहुत अच्छे से चलाएंगे, और यदि हम चलाएंगे परिक्रमा बहुत सारी त्रुटियां होंगी, बहुत प्रकार के दोष होंगे। तो उस समय देखा बिना कोई पुलिस भी नहीं है, लाइन भी नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हजारों हजारों नाम में जा रहे हैं, ऐसे मैंने तो पहली बार देखा। मैं कह रहा कैसे परिक्रमा चल रही है, कोई हादसा भी नहीं हो रहा वहां, तो हर पल हादसे के चांस बन रहे, परंतु निश्चित ही गौर नित्यानंद के पूर्ण शरणागति के साथ, गुरुओं के पूर्ण शरणागति के साथ वो परिक्रमा चलाते थे। और इस समय तो बहुत हो गया, समय हो गया है, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर सन्यासी लोग आए हैं, उनके जो चार गुण थे, त्रिनाथ विष्णु की चेन, करोड़ चेतना, हमारी ना मानते कितने सजारी, ये महाराज जी बताएंगे कैसे मथुरा में साधन भजन उन्होंने किया है, कठोर साधन, 2-2 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख हरिनाम करने के बाद चरणामृत पाते थे, हैं? तो उनका भजन आदर्श मथुरा मठ कैसे लगता था, जैसे महाराज जी बता रहे थे कि जैसे सांप और मेमना एक साथ रहते ना, तो ऐसे माता ऋषि का आश्रम है, वहां पर तरह तरह विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग भी आते थे, वो भी क्या मिलजुल कर प्रेम से गुरु जी के साथ रहकर वो भजन साधन कर रहे, और कितने सन्यासी गुरु जी के साथ चलते थे। तो वो लोग हमारे जो सन्यासी वृत्त है हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो रिश्ता ही कर रहा हूँ उनके सामने बोलने का, और मैं खुद ही अनुगत में नहीं रहता, मैं खुद ही सेवा से बिजी हूँ, मेरे खुद ही वैष्णव धर्म नहीं पता, परंतु मैंने जो रिश्ता किया इतने बड़े सैन्य संन्यास में क्षमा चाहता हूँ और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ
कि गुरुदेव कभी ना कभी हम आनुगत्य धर्म को समझ पाए और कभी ना कभी इस धर्म पे पालन करने का प्रयास कर सके, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। राजकुमार बोलोगे पांच मिनट ठीक फटाफट फटाफट बोलो। वशिष्ठ जी संजय वशिष्ठ है पांच मिनट में ठीक। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा द्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम स्मृति गुरुपाद पद्म प्रातःकालीन स्मरणीय नित्य लीला प्रसन्न जगत गुरु ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतशिष्य भक्ति विधान परमहंस परिचार्य वक्त त्रिदंडी स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहिमुखी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रसन्न जगत गुरु ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतशिष्य भक्ति विधान बाबरी गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रसन्न भक्ति विधान ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतशिष्य भक्ति विधान त्रिक्रम गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव के चरणों में कुछ पुष्पांजलि अर्पण करने का अवसर मिला है तो पांच मिनट का समय है। तो जैसे पूज्यपाद जीत प्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर बातें आप सभी लोगों को सुनाई है, मैं आपको कुछ अपना अनुभव कहता हूँ। क्योंकि एक बात कबीरदास जी कहते हैं कि तू कहे मोदी की लेकिन मैं कहूँ अनुभव अपना। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। मेरे जीवन में जो परिवर्तन है गुरुदेव की कृपा का वो मुझको अनुभव होता है। वर्ष 2004 2 जुलाई का दिन मुझे याद है जब मैं अपने गुरुदेव को दूसरी बार मिला और मैं उसके लिए प्रणाम करता हूँ और आनंद स्वरूप केदार जी को जिन्होंने आनंद धाम को बनाया। क्योंकि 2 जुलाई 2004 को व्यास पूजा थी, व्यास पूजा जो गुरु पूर्णिमा होती है, तो यहाँ मुझे अवसर मिला जीतों के साथ आने का। क्योंकि गुरुदेव ने बोला था हमारे पूज्य बात अजय प्रभु के घर पे कि इसको वृंदावन लेके आना, तो 29 जून की बात 2004 की है। तो 2 जुलाई को हम लोग यहाँ आए और गुरुदेव का इतना सुंदर वैभव, गुरुदेव का यहाँ आसन लगा हुआ था, भक्त लोग सब बैठे हुए थे, महाराज जी हमारे उस समय हमारे पूज्य पाठ भक्ति महाराज जी जो है प्रसन्न प्रभु जी हमारे थे, तो बहुत सुंदर आवेश था। मैं देखा हजारों हजारों लोग, इतने विदेशी लोग, मैं पहली बार आया मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। इतने विदेशी लोगों को मैंने देखा, मैंने बात करी तो बहुत सुंदर एक आवेश प्रवेश बना हुआ था। तो गुरुदेव भी नहीं करते हम आए लाइन में लगे, गुरुदेव को फूल माला पहनाई और गुरुदेव ने हमको देखा तो क्या हो तुम आए यहाँ गुरुदेव, तो फिर गुरुदेव ने कंठी माला दी, हरिनाम दिया और कान में महामंत्र बोल के बोले कि इसको करना, ठीक है गुरुदेव। तो गुरुदेव ने यही इसी स्थान पर मेरे जीवन को शुरू कर दिया। तो इस स्थान को भी प्रणाम है और गुरुदेव की बहुत बहुत महिमा है। महाराज जी ने जैसे बोला कि समय 5 मिनट का ही है, तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि गुरुदेव जैसी कृपा कर रहे हैं अभी भी ऐसी ही कृपा बनाए रखे। और इसमें विशेष रूप से हमारे पूज्य पाद महाराज जी ने अवसर दिया है हम सब लोगों को यहाँ आके गुरुदेव का शतवार्षिक उत्सव मनाने का, तो हम ऐसे ही मिलजुल कर गुरुदेव की सेवा करते चले, इन वैष्णवों की सेवा करते चले, तभी हमारा जीवन ये हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम करता हूँ। लांछा कल की कृपा राधिकाय प्रदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण लीला पत्नी सुदक्षम औदार्य मातर गुणश्रीयुक्त वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं सिरसा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्यलाप विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के अभय चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु ने पूछा भक्ति वेदांत श्री महाराज के चरण स्वरूप में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ व्यासपीठ पर आसीन
सभी सम्मानित सन्यासी जन को मेरा अपना छोटे मनु प्रणाम। समस्त रूपान गुरुवर के चरणों में मेरा यथायोग दर्दर प्रणाम। और यहाँ उपस्थित सभी गुरुदेव का उत्सव मनाने के लिए सभी जो मेरे गुरु भाई बहन सभी जो आए उनके चरणों में मेरा यथावत दर्दर प्रणाम। देखो मुझे बोलना कुछ आता नहीं है, सबसे छोटा बालक हूँ मैं। जब मेरे जी प्रभु बड़े गुरु भाई हैं उन्होंने बोला है ना, तो छोटे का अनुभव क्या होता है, जब वो कुछ अपने माता पिता के विषय में बोलता है तो वो एक बात पूछता है, हैं भैया मैं सही बोल रहा हूँ ना, इसका अर्थ क्या है। यानी कि बड़े भैया को सब पता है क्योंकि उन्होंने पिताजी के साथ उनका पूरा यौवन देखा है, पूरा उनका परिश्रम देखा है। तो मैं 2008 से मेरे मार्गदर्शक गुरु यहाँ जहाँ कहीं भी है मैं उनको बारम्बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। सुधीर पहुजा पहुजी, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। उनका रेट मैं शायद किसी जन्म में नहीं चुका सकता जो उन्होंने मुझे गुरु पाद पद्म से मिला दिया। इस स्थान का बड़ा अपना एक अनुभव है, बड़ा गुरुदेव से जुड़ी हुई यादें हैं। 2010 के बाद मैं इस स्थान पे आ आया हूँ। 2010 में गुरुदेव की व्यास पूजा यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने संपन्न किया और कई बार वृंदावन आना जाना हुआ, लेकिन वहीं से प्रणाम करके गेट से हम लोग निकल जाया करते थे। लेकिन मेरा कभी, क्योंकि अंदर से वही सब चीजें एक तरह का विरह उत्पन्न होता था कि भाई यहाँ हमने गुरुदेव को दर्शन किया करते थे, यहाँ आया करते थे, मैं यहाँ मेरा दुर्भाग्य कहो या कुछ भी कहो, मैं उस 10 साल 2010 के बाद आ जाया हूँ मैं गुरुदेव की। यहीं पे हमने व्यास पूजा हुआ करती थी गुरुदेव की, तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपने गुरुवर के बल में विषय में अगर कुछ बोलूंगा तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे सूरज को हम दिया दिखा रहे हैं। तो गुरुदेव के गुरुजनों का आना और जाना ये सब एक ऐसा ही है जैसे सूर्य का निकलना और अस्त होना, ठीक है। तो गुरुदेव ने आने के बाद हमें नहीं पता था कि गुरुदेव हमारे कितने विलक्षण संत हैं, लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद हमें पता चला कि हमारे गुरुदेव कौन है। साक्षात भगवान श्रीमती राधा रानी की रमण मंजरी है। कितने लोग जानते थे गुरुदेव की लीला में जाने से पहले कि गुरुदेव हमारे रमण मंजरी हैं या गुरुदेव हमारे बहुत बड़े सिद्ध संत हैं, भगवान के निज परिकर हैं, कोई नहीं जानता था। लेकिन गुरुदेव ने वह लीला के द्वारा हमें यह बताया कि वो कौन है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित किया। गुरुदेव के जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे हम अनाथ ही हो गए, है ना। लेकिन कहते ना, जब जिस तरह से एक मैंने सुना है कछुआ जो है बाहर आके अंडे देता है और अंदर से चिंतन करता है तो अंडे उसके जो है पूर्ण रूप से पोषित हो जाते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव तो लीला में चले गए और वहां से हमें रोज हमारा जो है पोषण कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। तो जब कभी ऐसा ग्रह अनुभव होता है तो गुरुदेव स्वप्न में आके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और साक्षात मैं अपने गुरु पाद पद्म के दर्शन अपनी शिक्षा गुरुदेव के अंदर करता हूँ। तो जब मुझे ऐसा कोई विशेष ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ तो चेत्र गुरु के रूप में गुरुदेव अपने आप आके उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भजन गुरुदेव एक विशेष बात बोला करते थे, देखो गुरुदेव देने में सब चीज समर्थ है और सबको वो सब चीज दे सकते हैं, लेकिन गुरुदेव विशेष किस चीज पर बल देते थे कि भगवान की भक्ति। गुरुदेव भगवान की भक्ति में बल देते थे और कहते थे, मैंने कथाओं में श्रवण किया है गुरुदेव की, तुम्हें भक्ति के लिए जो कुछ भी चाहिए उसे मैं दूंगा, भक्ति के लिए तुम्हें जो भी बल पड़ेगा भक्ति अनुकूल वो चीज मैं दूंगा। इसका एक में छोटा सा एक उदाहरण बता देता हूँ। अभी रूप सनातन मठ में हमारे रूप गोस्वामी की तिथि पे मैं अपने एग्जाम देके मैं निकला और कि मैं जो है एग्जाम फिनिश हो गया पैंट से मैं जो है तिथि में जाऊंगा और वहां कथा श्रवण करूंगा। तो मैं हाईवे पे खड़े हुए मुझे बहुत समय हो गया और लगभग समय हो ही चला था। मैंने कहा गुरुदेव मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, सुनसान एरिया है, पता नहीं मैं कैसे पहुंचूंगा और मुझे कथा मेरी निकल जाएगी, मैं क्या करूंगा वहां पहुंच के। तो कई वाहनों को मैंने हाथ दिया कोई नहीं रुका और अचानक से फिर काफी देर बाद एक बाइक आई, उस बाइक को मैंने हाथ दिया और वो कम से कम 500 मीटर जाके उसने हाथ बाइक रोकी। मैं भागा भागा गया कि प्रभु जी मुझे ना आप कहाँ जा रहे हो, कि मैं तो मथुरा जा रहा हूँ। मैंने कहा प्रभु जी मुझे आप मथुरा कट पर छोड़ देना, मुझे ना वृंदावन जाना है। कैसे चलो बैठो, मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया, कहने लगा प्रभु जी मैं भी वृंदावन ही जा रहा हूँ। और आप यकीन मानिएगा उसने मुझे रूप सनातन से 100 मीटर दूरी पे छोड़ा दिया। इसको क्या कहेंगे आप, मैं तो इसे गुरुदेव की कृपा ही मानता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या था, गुरु पाद पद्म की जाके वहां पे कथा श्रवण करना, संतों का दर्शन करना है।
तो ऐसे ही बड़े अनेकों संस्मरण है मेरे पास, ठीक है। नवदीप धाम में हम गया गए, गुरुदेव ने जो अपनी लीला को समर्पण नवदीप धाम में ही किया है। क्यों धाम में किया? क्योंकि अगर मैं तत्व पे जाऊंगा तो कहते ना ऊंचे छोटे मुंह और बड़ी बात हो जाएगा। यहाँ पे बड़े बड़े तत्व में भी संत बैठे हैं, उनके सामने मैं तत्व की बात करूँ तो बहुत मेरे लिए अपराध होगा, मैं अपने आप में से अपराध मानता हूँ अपने लिए। बस एक छोटा सा अनुभव बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो मेरे मन में एक बार ये विचार आया कि जब नवदीप की गुरुदेव की समाधि मंदिर में दर्शन किया जाते ही और जाने पर स्नान आदि करते हुए उस रात को हम सो गए, और मन में कुछ ऐसा विचार आया गुरुदेव तो हमारे रहने नहीं। क्या विचार आया? गुरुदेव तो अब हमारे रहे नहीं। उसी रात मेरे में स्वप्न में आया गुरुदेव हरिनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं देख मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तू कहता गुरुदेव तो रहेगी, किसने बोला कि मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। और ये स्वप्न यहाँ पे अगर हमारे वो गड़ी के जो हमारे प्रभु जी शिवा प्रभु, उनको मैंने ये संस्मरण परिक्रमा में जाते जाते बताया कि प्रभु जी देखो आज मेरे साथ ये ऐसा हुआ, मैं गुरुदेव के विषय में संशय करके सोया कि गुरुदेव तो हमारे रहे नहीं है। गुरुदेव ने स्वप्न में आके मुझे डांटा कि देख मैं यहाँ साक्षात विराजमान हूँ, हरिनाम कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ ही है। तो भगवान और भगवान की लीला में गुरु लीला में कोई अंतर नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यही अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये गुरुदेव से यही कहूंगा गुरुदेव कि आपकी जो जीवन चरित्र है, संपूर्ण जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं तो गुरुदेव ने अपने मन प्राण तन सब कुछ देकर जो है गुरुवरों की सेवा करी, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करी, ठीक है। तो उसी प्रकार से गुरुदेव का एक अगर एक अंश भी उनकी शिक्षाओं का हमने अपने जीवन में ले लिया, विशेषकर मैं अपनी बात करता हूँ कि तो गुरुदेव मैं चाहूंगा, मैं सोचूंगा कि मेरा ये जीवन सफल हो गया। और बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी, क्योंकि मैं छोटा बालक हूँ, छोटे बालक को उसके बड़े भाई बहन ही पालते हैं, तो मैं महाराज जी की, अपने जीत प्रभु जी की, अपने मार्गदर्शक गुरु की और जो भी आप सब यहाँ बैठे हैं आप सबकी शिक्षाओं को देख के आज मेरा माइक पकड़ने का साहस हुआ है, नहीं तो मुझे गुरुदेव के विषय में कुछ भी नहीं आता। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथा कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाञ्छाकर प्रवच कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमः। सबसे पहले मैंने लीला ओम प्रविष्ट अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि बार धन्यवाद प्रदान करता हूँ। उसके पश्चात हमने संपूर्ण परंपरा के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार धन्यवाद प्रणाम है। यहाँ बैठे पूजपाद श्रीधर महाराज जी, नरसिंह महाराज जी, बहुत सारे महाराज जी बैठे हैं, जितने वैष्णव बैठे हैं सबके चरणों में प्रणाम, सबके चरणों में यह प्रणाम है। हरे कृष्ण। जहाँ जहाँ गुरुदेव गए और ऐसी कृपा रही कि वहाँ वहाँ की गई, मतलब भारत की बात कर रहा हूँ, यहाँ नजदीक नजदीक की बात कर रहा हूँ। कहते हैं गुरुदेव, गुरुदेव के बारे में मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बताऊंगा। गुरु शब्द एक ऐसा है कि हम कहते ना हमने गुरुदेव को कर लिया, ऐसा नहीं है, हम तो इस्कॉन से जुड़े थे, लेकिन गुरुदेव गुरु बनाने की इच्छा थी और इस्कॉन से जब जुड़े गुरुदेव कहते ना कुछ देखा देखी भी गुरु बनाते हैं कि भाई उन्होंने बना लिए, उनका तो अच्छा काम चल रहा है, वो तो वृंदावन जाते हैं, उन्होंने गाड़ी ले ली, उन्होंने फैक्ट्री लगा ली, कुछ ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे ही होते। हम सबसे पहले इस्कॉन में जुड़े, इस्कॉन के बाद में जब सेवा जाते थे, सेवा करते थे, फिर उसके बाद में हमारे ये गोकुल चंद्र प्रभु, रामचंद्र प्रभु थे और ये इनके घर में हमारी दीक्षा हुई, ये विजय प्रभु जो बैठे हैं, तब ऐसे जुड़े। तो फिर हम गुरुदेव से मिलने के लिए आए एक दिन वृंदावन में, और वृंदावन में जब इंद्र मिलने के लिए आए तो वहां मिले हमें राधा गोविंद महाराज जी, इस्कॉन के जो है। फिर उसके बाद में भी फिर हम गुरुदेव से ये केशव गौड़िया मठ
मथुरा में मिले सबसे पहली बार गुरुदेव को मैंने वहीं देखा। ऊपर कमरा था, बैठे थे, कुछ लिख रहे थे, हम 10-12 लोग थे और गोपालचंद प्रभु हमारे साथ आए थे तो हमको कमरे में अंदर कर दिया और वो बाहर चले गए, बोले गुरुदेव में बैठ लो। बैठे, प्रणाम किया तो हमारे यहाँ से देखा, हमने प्रणाम किया तो हम काम आ रहा था, हम हरी नाम करते हैं ऐसे सुनने, तो गुरुदेव ने सबसे पहले ही कहा तुमने अपनी भक्ति बचा ली। और उस दिन के बाद में ऐसा लगा हुआ गुरुदेव से, कहते हैं ना कि कोई, मैंने गुरुदेव का एक बहुत सुंदर जीवन चरित्र को यह देखा है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ में 10-20 साल अगर जुड़ जाए तो उसमें कोई ना कोई अवगुण देखने लगता है, लेकिन मैंने देखा गुरुदेव से जो भी जुड़ा किसी भी रूप में, किसी भी भेष में, चाहे गृहस्थी चाहे सन्यासी, वो एक बार अगर जुड़ गया तो उनके अंदर इतना गुण था कि हर व्यक्ति यूं सोचता था कि गुरुदेव मेरे को ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे को ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे को ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे को ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम था गुरुदेव का, जो एक बार जुड़ गया वो जोड़ा का जोड़ा ही रह गया। और एक चीज और मैंने देखी गुरुदेव की, अपने गुरु की कोई अगर बड़ाई करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सब अपने अपने गुरुदेव की बड़ाई करते हैं, लेकिन और गुरुओं के शिष्य, वृंदावन के कितने गुरुओं के शिष्य हैं, जब गुरुदेव की बड़ाई करते हैं तब अच्छा लगता है कि हम बिल्कुल गुरुदेव ने हम पर बड़ी बड़ी कृपा करी। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द लिखा रहता है श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। जैसे हमारे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब वो दुखी होते हैं तो माँ बाप दुखी होते नहीं होते, ऐसे जब हम लोग जब दुखी होते हैं, हम कृष्ण के बच्चे हैं, तो वही जब कृपा जो होती है, वो जो कृपा होती है वही गुरु के रूप में प्रणत होती है, वो कृष्ण की जो कृपा होती है वो साक्षात गुरुदेव ही होते हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव नोएडा में पहली बार आए थे। पहली बार जब आए थे तो ये स्वभाव होता है कि नोएडा में पहले भी बहुत सारी कथाएं होती थी, तो वहां एक भारत विकास परिषद मंडल है, वहां के उद्योगपतियों ने बना रखा था, गुरुदेव आए तो बड़ी बड़ी लंबी गाड़ी लेकर के आते थे और वो शहर में ऐसे लगा दिया करते थे। बहुत सारे लोग जब रहते थे तो गुरुदेव सबको मने कर दिया करते, नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, और उतर कर बीच से होकर के सबसे मिलते हुए तब आके आते। और एक अनुभव मैं गुरुदेव का बताता हूँ, गुरुदेव जनकपुरी मठ में जब लास्ट बार जब आए थे तो हमारे बहुत सारे भक्त सुबह सुबह गए गुरुदेव से मिलने के लिए, तो वृंदावन आ रहे थे, नहीं गोवर्धन, तो माधव महाराज जी टोली में बैठा करके उनको ऐसे खींच करके गेट तक लाए। गेट तक जब लाए तो उन्होंने कहा अरे मेरे को आगे ले चल, तो बोले नहीं नहीं लेट हो रहे हैं से दर्शन कर, तो मुझे दोबारा नहीं आना, मुझे आगे ले चल। तो फिर उसके बाद में गुरुदेव मथुरा आए, मथुरा से जगन्नाथपुरी चले गए, वहां से छोड़ के धाम में चले गए। तो उन्होंने मैंने खुद कानों से सुना था और बिल्कुल गुरुदेव ने बिल्कुल ही, मतलब इसका मतलब यह है कि अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं कोई भी, ये हमारे जो गुरु पर हमारी भी यहाँ मथुरा में कई परिचित लोग हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना भाई गौड़िया मठ में चलो बड़ा अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं भाई गौड़िया मठ वाले हैं ना, वो अपनी अपनी कहते हैं, वो दूसरे की नहीं मानते, ये अपनी अपनी कहते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, ये दूसरे की नहीं मानते। इसका मतलब है कि गुरुदेव के जो सिद्धांत थे वो किसी से कंप्रोमाइज नहीं करते थे, जो बिल्कुल सिद्धांत थे। चेतन महाप्रभु की जो धारा है, हमारे जो गुरुवर जो परंपरा जो चली आई है, हमारे गोस्वामियों ने जो दिया है उसी के हिसाब से गुरुदेव सबको समझाते थे। और गुरुदेव ने एक खासियत थी, कोई भी कथा जीव आत्मा से भी अगर स्टार्ट करते थे ना, शरीर और ये आत्मा है, लास्ट में जाकर के वही गोपियों का जो भाव था वहां करके उसको खत्म किया करते थे, कहीं से भी स्टार्ट करते थे गुरुदेव ने। ये बहुत ठीक है महाराज जी, वांछा कर करो कृपा संजीव वचन कति करा पावन को प्रश्न हरे कृष्णा। हमारे जो भक्त लोग है थोड़ी थोड़ी इधर इस तरफ में बहुत सारी माता है, अब लोग थोड़ी थोड़ी ठंडी में जमे गए
सब और जहाँ तक अंतिम छोर की चल रही धीरे धीरे तक उधर से भक्त लोग आकर बैठ सकते हाँ और प्रार्थना चलिए जगह बहुत है से चल रहा है और उस प्रवाह में यह जीव अनंत काल से उस यात्रा की ओर बढ़ रहा है जहां वो खोज रहा है वह स्थान जहां से नित्य शांति नित्य सुख की प्राप्ति होगी और इसी यात्रा में अनंत काल तक भटकते भटकते किसी भाग्य की तरफ से या किसी सद्गुरु की कृपा की प्राप्ति हो किसी संत की प्राप्ति हो तो उस जीव को यह सौभाग्य प्राप्त होता है क्योंकि उस मार्ग का पता चले जिसे उनके जाना जहाँ से उस नित्य शांति नित्य सुख की प्राप्ति हो ब्रह्मांड में उनसे बहुत भाग्य को दिए बता दे पाए पर इस संघ में कुछ निकट आने पर भक्ति के गूढ़ तत्व सुनने का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उसमें भी जो विशेष कृपा पात्र हैं उन्हें यह ज्ञान पता चलता है कि वास्तव में भक्ति संबंध युक्त होने पर ही भक्ति कही जाती है उससे पूर्व वह सामान्य व्यक्ति है तो सार तत्व अभी तक यह समझ में आया कि संबंध ज्ञान के बिना भक्ति आरंभ नहीं होती यही से अब जब संबंध ज्ञान जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा उतना उतना भक्ति का प्रवेश भक्ति में प्रवेश और उपासना का जो अनुभव है अंतःकरण का होगा और क्रमशः गुरु के निर्देशन में वैष्णव के निर्देशन में भजन की उस पद्धति का जिस प्रकार से गुरु गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं अनुशीलन करते करते क्रमशः अनंत निवृत्ति के बाद निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम इत्यादि अवस्थाओं को वह साधक अनुभव करता है तो उस भटकती हुई अवस्था से लेकर जब उसको कुछ नहीं पता था और क्रमशः इस पूरी यात्रा में भाव अवस्था तक की जो उन्नत सीढ़ियां हैं इन सब अवस्थाओं को वह साधक पार करता है गुरु के साथ यह वह मार्ग है जहां गुरु के बिना कुछ दिखाई नहीं देता अंधकार तमस तदा गहनम गभीरम यस्तस्य पारे विराजते विभो श्री युगल कहां विराजमान है वैकुंठ का भी जो सबसे उच्चतम स्थान है गुरु वृंदावन जब वैकुंठ ही अधोक्षज होने के नाते इंद्रियों
मन और बुद्धि के परे है, तो उनकी वह सर्वोत्तम लीला जो वृंदावन में प्रकाशित है वह तो पूरी तरह से जीव के लिए अगम्य है। तब क्या सौभाग्य है, क्या मार्ग है, क्या रास्ता है कि जीव श्रवण भी कर सके इस दिव्य रस का, इस अलौकिक रस का। तो पुनः वे ही यह जानते हुए कि इस अंधकार में फंसे हुए इस जीव के पास कोई साधन नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई अवसर नहीं है, इसका कोई प्रयास ऐसा किसी भी काल में संभव नहीं हो सकता जो इस गहन तम मोह को पार करके इस भगवत विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। तो वे स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। गुरु के रूप में प्रकट होकर के उनकी कृपा का सर्वोत्तम रूप वो हमारे सामने प्रकट होता है, जिसमें हम उनसे बात कर सकते हैं, अपने इन्हीं प्राकृत भावों को लेकर के उनके साथ अपनी ममता को जोड़ सकते हैं, उस संबंध को जोड़ सकते हैं। शास्त्र गुरु की महिमा अनंत रूप में बखान कर रहा है और सिद्धांत के रूप में हम इसको श्रवण भी कर रहे हैं, किंतु उस श्रवण किए हुए सिद्धांत का मेरे जीवन में क्या प्रयोग हुआ, यह तभी अनुभव में आएगा जब ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा दिव्य अनुभूति संपन्न कोई महापुरुष मेरे संपर्क में आए और उनकी उस वाणी से, उनकी उस दृष्टि से, उनकी उस कृपा से मेरा चित्त अभिषिक्त हो, तब वह अनुभव जो वाणी से अतीत है, जो श्रवण तो हो सकता है किंतु अनुभूति कर में तभी होगा जब चित्त में परिवर्तन। और यह सब कार्य कौन कर रहा है, पुनः वे गुरु ही इस कार्य को कर रहे हैं। अपनी कृपा से यह जानते हुए कि हम किसी भी प्रकार से इसके योग्य नहीं हैं, वे हमारी समस्त अयोग्यताओं को क्षमा करते हैं और पुनः 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 वे अवसर देते हैं। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, यह जो वाक्य श्री रतनदास ठाकुर कह रहे हैं, यह वो अपने गुरु के प्रति अपने उद्गारों को व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे हृदय में आपने उस दिव्य ज्ञान को प्रकाशित किया था, उस प्रेमानुभूति को प्रकाशित किया। दिव्य ज्ञान क्या है, दिव्य संबंध ही दिव्य ज्ञान है। वे दिव्य संबंध क्या है कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं इस माया जगत से मेरा संबंध नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा संबंध तो ठाकुर जी से। और इस विश्वास की पुष्टि दो प्रकार से होती है, कथा श्रवण से और उन महानुभव के चरित्र में उस आचरण को देखकर। यहां पूरे संसार में इनका आचरण कहीं नहीं दिखता, सर्वत्र माया का प्रभाव हमें भगवान से विमुख करते हुए अन्यत्र ले जाता है, किंतु जब हम गुरु के अंदर उस दृढ़ता के साथ में उस अनुभूति संपन्न व्यक्तित्व को देखते हैं तो चित्त स्वतः ही, बुद्धि स्वतः ही भगवान में स्थिर होती है, गुरु चरणों में स्थिर होती है। तो ऐसा अनुभव, ऐसी कृपा इस जीवन में श्री गुरु महाराज के चरणों में प्राप्त हुई। मैं किसी भी शब्दों के द्वारा उस कृतज्ञता को व्यक्त नहीं कर सकता, किंतु यह बात पुनः पुनः स्मरण में आती है, गुरु महाराज बोलते थे अभी तुम नहीं समझ पाओगे, पुनः पुनः तुम नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हें मिल रहा है, पर भविष्य में निश्चित रूप में इसका कुछ संकेत तुम्हें मिलेगा। और आज इस अवसर पर पुनः जब अपने परिवार में इतना अच्छा गुरु महाराज का परिवार बढ़ के भी रही नहीं, सर्वत्र ऐसी गोष्ठी गुरु महाराज जी के महिमा में आयोजित हो रही है, तो उन गुणों को श्रवण करके हृदय पुनः पुनः उन संस्मरणों को, उन वार्ताओं को स्मरण करता है जो गुरु जी से बात होती थी, वो देखते थे, बोलते थे,
भावों से पुनः यह चित अपने आप गलत दिशा में ना जा करके सही दिशा में जा करके बैठता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबसे कृपा याचना करता हूँ कि गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग ऐसी कृपा करें जिनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, चलते रहें, चलते मंशा करो तो कृष्ण पास मुझे राधाकृष्ण समारंभम चैतन्य महाप्रभु मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। सबसे पहले मुझे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु नित्य लाभ कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शास्त्री श्री भक्ति वेदांत दवानंद गोस्वामी महाराज नित्य लाभ कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शास्त्री श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण पदों में अनंत बड़ी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात एक बार सुधर महाराज धन महाराज समस्त सन्यासीगण ब्रह्मचारी श्री जी समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णवी भक्तजन सभी को मेरे हृदय को प्रणाम। आज बड़ा शुभ दिन है, अखिल भट्ट जी बजा रहे हैं, स्वागत है। हमारे अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय है, थोड़ा विलम्ब से बना रहे अभिनंदन स्वागतम कर रहे हैं। उनके आपके आगे से भी आगे बोलूंगा। हाँ, आज के अध्यक्ष पर उनका मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो आज हमारी सभा का संचालन करेंगे। मैं आगे बोलने के लिए मुझे भी आज्ञा दी। गुरु जी के प्रोग्राम्स नहीं, गुरु जी उनको बड़े प्रेम से और सनातन में जहाँ भी इतने बुला करके मथुरा में बड़े गुरु जी के परम्स नहीं है। तो मैं सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए आज से इस पर्व पर हमारे दोनों ये गुरु और महापुरुषों की इस शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में इस आनंद धाम में हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं। तो ये दोनों महापुरुष जिनका बहुत लोगों ने दर्शन किया है, नहीं भी किया है, तो उनके परिकर रूप में आप देख रहे हैं। भगवान का जन्म कर्मच दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्वतः तत्वाद एवं पुनर्जन्म नहीं की मांगे तो स्वर्ग। भगवान तो नित्य नहीं, भगवान मायाधीश, भगवान के स्वांश, भगवान के परिकर, भगवान के भिन्नांश जीव मायाबद्ध माया के अंदर में है। तो जैसे भगवान जन्म कर्म से दिव्यम, भगवान के परिकर के दिव्य कर्म जन्म कर्म से दिव्यम, हम लोग का जन्म कर्म बद्ध है, मायिक है, किंतु जैसे भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है, ऐसे भगवान के परिकर होता है। तस्मिन् भेदे तस्मिन् तज्जने भेदे भावा, भगवान और भगवान के भक्त में कोई भेद नहीं है, भगवान के परिकर है। तो हमारे महापुरुषों का दर्शन स्पर्शन श्रवण करने का तो सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सारे मठों में हमको जिस समय में 91 में पहली बार 90 में पहली बार नारायण मंदिर दर्शन भूमि में किया था, उसको 91 में आकर के मैं यहाँ पर ज्वाइन किया रूप सनातन में, उनके साथ में 9 महीने रहा। पहली कार्तिक परिक्रमा हमारे सदाशांत को उस समय वहाँ उनके साथ में पहला हमारे बेट वहीं पर हुआ रूप सनातन में। उसके बाद में मैं रूप सनातन में रह करके 91 में फिर जाकर के मुझे उस समय हमारे भक्तिवेदन बामन गोस्वामी महाराज हमारे भक्तिवेदन समिति प्रेसिडेंट थे, महाराज जी वाइस प्रेसिडेंट थे।
हम लोग गौड़ी धाम से भी देवानंद गौड़ी मठ में थे। तो पहले के समय में यहाँ पर आके पहली कार्तिक परिक्रमा की थी 1991। उसके बाद में 91 के होली के लिए मुझे नवदीप भेजा गया यहाँ से। नवदीप में उसके बाद पूरी से दीक्षा हुई, दोनों गुरु जी के दर्शन। 90 में जब नारायण जी का दर्शन बॉम्बे में किया था, तो यहाँ पर आए 91 में, मुझे यहाँ से नवदीप भेज करके से महाराज की दीक्षा दी, दोनों गुरु महाराज अभिन्न गुरु तत्व। इसलिए मैं कभी अपने गुरु जी गुरु जी गुरु जी कहता था, महाराज जी को कभी गुरु जी नहीं कहता था। महाराज जी के पास मैं 91 से 2010 तक रहा, लास्ट तक नहीं मैं बचा था, अकेला बाकी सब तो भाग गए। मैं अकेला था, हमारे साथ में माधव महाराज, पूजीपाद माधव महाराज, तीर्थ महाराज, प्रेमान प्रभु पन महाराज, मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, आप लोग उनके नाम सुनते हैं, चंद्र महाराज को वृंदावन में रहते हैं। वहां पर मैं 20 साल तक रहा मथुरा मठ में, पूजीपाद नारायण महाराज के साथ, उनके साथ में। तो आपने सुना उनके साथ में लौकिक लीला तो है, अलौकिक लीला आपने सुना, महापुरुषों के क्या लक्षण होते हैं। हमारे साथ में हमारी हो सकते हैं हमारे साथ उनकी उनके साथ हमारी जुड़ा सब बातें हैं। और तो सब जानते नहीं जानते हैं, माधव महाराज फर्स्ट नंबर में थे विदेश के साथ में, सब 96 में महाराज जब पहली बार विदेश में गए मथुरा मठ में, ब्राह्मण को बुला करके, मथुरा ब्राह्मण को बुला करके आशीर्वाद दीजिए, मैं वृंदावन से यहाँ के मैं विदेश के प्रचार के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद ब्राह्मण को गलत हम वापस विदेश में जाके महाराज जी की 96 से बाद में आचार्य मेरा चालू है। शायद उसके पहले 91 से हम लोग महाराज जी के पास 10-15 लोग हम रहे थे मुक्रमण। तो वहां से महाराज 96 में पहली बार विदेश जाने लगे। 91 में मुझे जिस समय आया था वृंदावन में एंट्री की थी, उस समय में मथुरा मठ में भागवत पत्रिका बंद थी। भागवत पत्रिका अक्षर भट्ट जी उसके हमारे संपादक मंडल में है, भागवत पत्रिका 91 में जिसमें मठ आया भागवत पत्रिका बंद थी, जो हिंदी में चल रही थी। मैं जब 91 में आया था हमारे दूसरे ब्रह्मचारी बोले भागवत पत्रिका चालू करो, महाराज जी ने मुझे कंप्यूटर में किए, कंप्यूटर तो था नहीं, टाइपिंग सिखाई टाइपिंग। 96 में विदेश पुंडरीक बाबू है उनको मुझे बात कुछ याद आए, विदेश से कंप्यूटर लाया था, विदेश से वो अमेरिका, वो पहली बार हरे साहब गए थे अमेरिका में, उन्हें बड़ा डेस्कटॉप लाया था, इतना बड़ा डेस्कटॉप लाके उन्होंने महाराज जी ने 96 में पहली बार विदेश जाने के बाद 96 से 97 में ही हमारे नीचे कंप्यूटर रूम था, पूरे को साथ में थे महाराज साथ में आके हमारे कंप्यूटर रूम का महाराज जी खिता काट के उद्घाटन किया था, मेरा फोटो है जो कुछ ऐसी बातें हैं हमारे साथ हैं। तो महाराज जी ने बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन किया, बहुत सारे हमारे शिष्य बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारे हैं सुविधा दी है और सब लोग किताबी ग्रंथों का काम चलता था। मैं कंप्यूटर महाराज जी ने मुझे टाइपिंग सिखाया, टाइपिंग भेज दिया टाइपिंग क्लास में, कंप्यूटर लेके आए वृंदावन दिल्ली से, सोमनाथ जी ने कंप्यूटर दिया उसको लाकर के एक साल तक मैं वृंदावन में, वो शांति दीदी हमारी मेरी गुरु है कंप्यूटर गुरु, आप लोग सुन लो जिसको जानते हो, उन्होंने मुझे मैं यहाँ पर वृंदावन में गुरु सनातन मठ में रहकर के बड़ा ऊपर जो महाराज जी भजन प्रति बड़ा भाव है उसमें कंप्यूटर रखा। मैं एक साल तक इस्कॉन के पीछे वहाँ पर श्यामानंद दीदी और शांति दीदी रहती, मुझे एक साल तक मैं यहाँ पर उनके घर में जाकर कंप्यूटर टाइप कर सक्रिय शांति का ग्रंथ मैंने अपने हाथों से टाइपिंग की, एक 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 10-10-12 घंटा कंप्यूटर बैठकर नया नया सीखा, उसको जाके दिल्ली में कंप्यूटर लेके दिल्ली में प्रिंट आउट करके लाया ग्रंथ। अब वो ग्रंथ वाले सब है ना, आपको पता नहीं है ग्रंथ ग्रंथ में कितनी मेहनत है, ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना तो ग्रंथ में कितनी मेहनत। उसके बाद में भगवत गीता हमारे हरिप्रिया प्रभु ने लिखी, मैं खुद कंपोज किया था, हम हरिप्रिया को जानते हैं, इसको कोई बता रहा पूछ लिखा, मैं खुद भगवत गीता पूरी कंपोज की है, भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं मैंने कंप्यूटर कंपोज की है, महाराज जी को दिखा, महाराज गुरु नहीं करते थे, परमेश्वर बैठ करके वो डिक्टेशन देते थे, मैं कंपोज कर देता सब ग्रंथ पढ़ देता महाराज जी के बाद, महाराज जी ग्रंथ को किस हाथ में लगा नहीं पूर्ण कुछ हमारे अजय पायलट भी है, अरे वो कहते थे वो पायलट भी नहीं बने थे उसमें लाते थे मठ में, तुम्हें वो है तुम्हारे कंप्यूटर है लाख लाख दो लाख के कंप्यूटर समय नहीं मिलते थे विदेश लाए थे। तो उस समय में ये महाराज जी के साथ हमारे यहाँ क्या लौकिक लीला लोग तो लीला क्या बोल रहे हमारे साथ हमारा मित्र संबंध है, कभी गुरु जी बोलते नहीं हमारे महाराज क्यों हमारे हम हमारे संबंध ऐसा है, हम महाराज जी के साथ में जैसे आए तो हमारे साथ में संबंध ऐसा रहा, क्योंकि उनके निकट रहकर भी सीखने का मौका मिला तो हमको पता चलता है ये क्या चीज।
बहुत सारी मैं महाराज जी के साथ घूमने गया, सुबह सुबह जब मथुरा में रहते थे महाराज टहलने के लिए जाते थे पार्क में, अभी पता है ना पार्क में जाते थे, मैं जाता था साथ, पहले पहले मालूम पड़े खाते थे उनके घर पे, उसके बाद में कोई नहीं जाता था, मैं रहता था हमारे साथ। महाराज पूछे महाराज आपके पास आचार्य कौन, खुला आप सब विदेश पूछते आपके पास आचार्य कौन, महाराज मुझे किसने आचार्य बनाया, अरे आचार्य होगा प्रकाशित होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें आचार्य बनाया नहीं जाता है, प्रकाशित होते, महाराज मुझे मुझे किसने बनाया आचार्य, अरे अंदर की बातें हैं वो सब लोग नहीं जानते, हम साथ में रहते थे अंदर का प्रवेश हमारे पास है मालूम महाराज, उसके बाद में वृंदावन तीन लोग हम थे, बिना लोग तो खाको एंट्री थी, बाकी सब रोका जाता था, कोई नहीं जा सकता, तुम्हारे आपके पास आचार्य मुझे किसने बनाया आचार्य, महाराज के साथ में पड़े महाराज जी ग्रंथ का काम, महाराज जी विदेश में प्रचार हुआ इतना, महाराज से नवदीप में 2004 में ही दीवान गोली मठ से हम अलग हो गए, महाराज जी सभी मठों को छोड़ दिया, सभी मठों को छोड़ दिया, केशव जी गोली मठ ने महाराज जी मुझे गुरु दी, गुरु जी ने दिया है मठ मेरे बाद रखेंगे, महाराज जी गुरु से बढ़े सब दीवान गोली मठ, दीवान गोली मठ आप देखते हैं महाराज छोड़ दिया 2004 में, छोड़कर महाराज अलग हो गए, 7 साल 2004 में केशव जी गोली मठ जो नवदीप में बना है उसकी जगह खरीदी, वहीं पर उसी साल 2005 में मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया था महाराज जी में कलकत्ता एयरपोर्ट में, यहाँ से नई गाड़ी आई थी टवेरा, उसको लेकर मैं मथुरा से कलकत्ता चला गया, महाराज जी एयरपोर्ट से रिसीव करके नवदीप लेके गए, महाराज सब यहाँ से 2005 से लेकर 2010 तक मथुरा से गाड़ी लेकर के कलकत्ता, कलकत्ता से नवदीप महाराज जी के साथ रहते थे, बोलो हमारा ड्राइवर है, बोलिए तो आपको चिंता नहीं मैं ड्राइवर हूँ महाराज जी, 2005 से लेकर के 2010 तक 5 साल तक मैं यहाँ से मथुरा से गाड़ी लेके जाता था, 2009 में इन वाले में गया था मथुरा से कलकत्ता से नवदीप, हमारे साथ में रहता था मामा महाराज को हमको बोलते कोई बात नहीं महाराज बोलती है, एक बार ऐसे महाराज अच्छे मजाक में बोले मैं नहीं नहीं तो मुझे पता नहीं था मथुरा में कितने में गए थे, छोटी गाड़ी थी मुझे पता नहीं मारुति होती तो हम अच्छे रखे मथुरा में कितने थके थे स्थान के पीछे, महाराज जी कहते थे तुम माँ देखो महाराज साहब तो बहुत रहने का सौभाग्य मिला उन्होंने सेवा ग्रहण की, महापुरुषों को तो समझना है मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुषत्व, सबसे पहले मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन, उसमें भी भगवान को जानने की इच्छा पैदा होना उससे बहुत कठिन, उसके बाद में महापुरुषों को प्राप्त होना महापुरुष मिलना और भी कठिन, महापुरुषों में महापुरुषत्व की महापुरुष है ऐसी उपलब्धि होना और भी कठिन, समझ जाएगा महाराज जी किसने किसी महापुरुष का गुण देखा उसके अंदर इतना सहज नहीं है, यावत हृदयस्तु यावस्तु यावत पापेस्तु हृदय मलिनम यावत एवे तावत न सत्य बुद्धि सत्शास्त्रे न सद्बुद्धि सद्गुरु यथा भक्ति 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 संदर्भ में श्लोक है, यावत पापेस्तु हृदय मलिनम तावत एवे, जब तक ये हृदय मलिन है तब तक सत्शास्त्र में सद्बुद्धि नहीं होगी और सद्गुरु में सद्बुद्धि भी नहीं होगी, जब तक पापी से हृदय कहां से होगा, पाप पापी और अज्ञान ये जाएगा तब ये हृदय अंतर्गत शुद्ध होगा, मिले ही नहीं रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग यज्ञ ज्ञान विरागा, भगवान ने नहीं बोले अनुराग कहां से अनुराग ऐसा होगा, मिले ही नहीं रघुपति बिना अनुरागा, और ये अंतर का जो मैल है त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश ये जल के खाक हो जाएंगे, हृदय शुद्ध होगा उस इंद्रिय दिव्य इंद्रिय हमको मिलेगी, तथा दिव्य चक्षु पश्चिम होगा, हमको भगवान अपनी इंद्रिय बुद्धि दे, हमारी इंद्रिय बुद्धि से नहीं होगी, हमारी इंद्रिय बुद्धि तो ये भाई पंचभूत से बना शरीर पंचभूत से बनी इंद्रिय, इसके द्वारा हम साधन देवता बने देख सकते हैं, महापुरुष भगवान को जानना तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसे महापुरुषों की संगति मिलना बहुत बड़े बड़े भाग मानुष सब सब ग्रंथ तो ये महापुरुषों का संग प्राप्त जिन्होंने देखा
विष्णु को भी देखा हमने, महापुरुष हमें देखे, सब उठे हम लोग वहां पर, जैसा जैसा जिसकी बुद्धि रही वैसा वैसा उन्होंने वैसे देखे, मल्लाना मस्तिना कृष्ण के समय भी थे, हाँ कृष्ण का छोड़ा है, नंद का छोड़ा, ऐसे बोल दिया हमने भी। अरे कहाँ भगवत बुद्धि हुई उनकी, बुद्धि महापुरुष की, कहाँ महापुरुषों को बुद्धि हुई, जब होगी, जब ये पापों के द्वारा हमारे साफ सुथरा होगा और ये अंतर शुद्ध होने के लिए सरेंडर करना पड़ेगा, फुल सरेंडर। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य है, डॉक्टर के पास अपनी बुद्धि मत चला जा करके, इतना दवा से क्या होता है, एक शिशु भी होगा फिर, अगर गुरु के पास गए गुरु जी को बाकी माना 100% नहीं, गुरु जी लेकिन ऐसी बात है, गुरु जी लेकिन ऐसी बात है, गुरु जी बाकी विश्वास करिए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु के पास 100% वचन की विश्वास होगा, नहीं तो हमारा भी कहीं बैठे, गुरु जी बस आए, गुरु जी संस्कृत को जानते नहीं है, ये थोड़ी गुरु है, ये तो ऐसे बोलते हैं, ये थोड़ी गुरु है हमारी, लेकिन किंतु परंतु ने हमारे सब बिगाड़ दिया, लाखों जन्म में 84 लाख घूमना पड़ेगा, 100% गुरु जी को शरणागति होती, पतिव्रता किसको कहते, गुरुव्रत किसको कहते, जो पतिव्रता उसको कहा कि पति से कुछ ना मांगे ना उसके डिमांड करे, जैसा पति रखे अपने मन में भी उसके खिलाफ कुछ ना सोचे, उसको कहा पतिव्रता, वैसे गुरु से गुरु के खिलाफ, हम तो गुरु जी के खिलाफ सोचते हैं, तो क्या नामवराज नहीं हो इसमें, गुरु जी कुछ बोलते हैं, सब कर्म अंदर में है, भगवान जैसे अंतर्यामी है गुरु के अंतर्यामी है, अगर गुरु जी माने भगवान तो बैठे अंदर में, और वो तो अंतर्यामी, वो जानते नहीं तुम्हारी पर छल कपट चातुर्य, वो सब जानते हैं, इसलिए छल कपट चातुर्य नहीं चलेगी, 100% शरणागत होना पड़ेगा, तब प्रकाशन दे महात्मा, वो अपना सोलो भगवत लीला सब कुछ हो जाएगा, 100% शरणागत, वो दोनों महापुरुषों की कृपा है, वो तो हम लोग सब में रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सेवा दिया हमारा कोई भाग बड़ा ही नहीं है, फिर भी अगर 100% उन्होंने ये सेवा ग्रहण की, उनकी महिमा का कुछ कुछ छिटा फिटा उनकी कृपा से कुछ हम समझ सकते, अपने मन बुद्धि पांडित्य के द्वारा बिल्कुल कोई नहीं समझ सकता, चाहे लाख जन्म रक्ष को जाए वो समझते, हम भी तपस्या के द्वारा दिव्य ज्ञान के द्वारा भगवान को पा लेंगे, गुरु को पा लेंगे, बड़े रवाई से जन्म जन्म तक, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम आवत नाही, जन्म जीवन करने विषय नहीं, 100% सन्ना अर्जुन ने यही बोला, शिष्य से हम तो हम प्रपति मैं आपका शिष्य हूँ, अरे नहीं लड़ाई करूंगा, पहले शिष्य बोलता है फिर मैं तो अपनी बात नहीं मानूंगा, ऐसा करने से इसका अपराध होगा, ये मर जाएंगे तो इसके पति सब विधवा हो जाएंगी, उनको वर्ण संग्रह हो जाएगा, मेरे से गुरु को मानना पड़ेगा, भगवान ने तो मानो इनको नहीं मानूंगा, बस अपनी बुद्धि चलाई ना, तो इसमें अर्जुन अज्ञानी था, लास्ट में जाके शरण कर दिया, तत्प्रसाद मेरा मोह नष्ट हो गया, आप अब जो कहते मेरा सब अज्ञान दूर हो गया, इस पर 100% शरणागत खोलने से पहले शरणागत खोलना चाहिए था, शरणागत खोल के भी अपनी बुद्धि लगाई, इसलिए आज को शरण नहीं आया, महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना है, वो हमें ऐसी सेवा दे हमारा अनंत दूर करे, और तब उनके इस संसार भगवान लीला अध्यापेश लीला करे, गौरव अध्यापेश लीला करे, कृष्ण लीला उनको भाग्य वाले देवी चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः, श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण स्वरूप में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरे उपस्थित दंडिपादगण, सन्यासीगण, वैष्णव एवं वैष्णवी धामवासी सभी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज इतनी बड़ी सभा में हम लोगों को माइक मिला, यही गुरु जी की अद्भुत कृपा है। इससे बढ़कर अनेकों की कृपा नहीं हो सकती। महाराज जी का एक ऐसा अद्भुत चरित्र है जिसमें जैसा आंका उनका चरित्र उसको वैसी ही उपलब्धि हुई। जो जिस स्टेटस साधन के भी स्तर है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव स्नेह प्रेम, जैसे जिस स्टेज पर है साधक, जैसे गुरु जी के चरणों में श्रद्धा उनकी कृपा की अनुभूति की, उसने वैसा ही गुरु महाराज जी को चरित्र को नापा और उनसे वैसी ही कृपा की अनुभूति हुई। आज हम लोग सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरणों का दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला 1979 में। मैं 15 जनवरी को मेरे पिताजी शरीर छोड़ चुके थे, 41 वर्ष के थे मेरे पिताजी। बहुत बहुत बहकर हमारे ऊपर विपत्ति थी, लेकिन उसी समय मेरे को आपराधिक जगत का पिता मेरे को मिल गए, तो मेरे को अपने पिता का कोई गम नहीं हुआ। सबसे पहले मेरे महाराज जी के चरणों में मैं जुड़ी 1979 से, और 81 में हम लोगों को महाराज जी दीक्षा नहीं देते थे। जब तक दीक्षा हमारे गौड़िया वेदांत समिति में ये नियम था, जो प्रेसिडेंट होंगे वही दीक्षा देंगे। तो हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी प्रेसिडेंट थे, तो वो सबको दिया करते थे। लेकिन महाराज जी ने बड़े अहितु की कृपा, अब इन सब बातों को खोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, 1982 में मुझे वृंदावन लेकर आए थे गुरुदेव। और गुरु महाराज जी ने 92 में श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा लगाकर यमुना जी स्नान कराकर और यमुना जी के तट पर ही महाराज जी ने हमको कृतार्थ किया। कैसे बताएं गुरुदेव की अहितु की कृपा। सब लोग ही अपने गुरु जी की महिमा का गान करते हैं। आज मैं महाराज जी के बैठ के चिंतन कर रही थी, कैसे गुरु जी की निष्ठा थी अपने गुरु के प्रति, ये देखने लायक वस्तु है। महाराज जी की कैसी निष्ठा थी कि गुरु महाराज जी के गुरु भाई थे आनंद मोहन ब्रह्मचारी। उस समय उनको टीबी हो गई थी, क्षय रोग जिसको कहते हैं। आजकल तो सभी रोगों का बहुत अच्छे से इलाज निकल गया है, कोई लाइलाज कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उस समय बहुत भयंकर बीमारी थी, छुआछूत की बीमारी थी। और नवद्वीप परिक्रमा का समय आ चुका था, और नवद्वीप परिक्रमा शायद हमारे मठ से जो निकलती है 20,000 दर्शनार्थी होते हैं उसमें, भक्त लोग परिक्रमा को करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी परिक्रमा हुआ करती हैं, अभी भी होती है हमारी। ये सब हमारे जो सन्यासी वर्ग हैं उस महाराज जी का सारा ऐसे कैसे हैंडल कर रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य है। तो उस समय महाराज जी को, परम गुरु महाराज जी को टाइम नहीं था, उस समय इलाज था उस टीवी का श्रेय और यहाँ मद्रास में था। तो गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी बड़े चिंतित थे, कैसे जाऊँ इसको लेकर, इसे बचाना बहुत जरूरी है। माँ जी का अत्यंत लाडला था वो अनंत ब्रह्मचारी। गुरु महाराज जी ने कोई परवाह नहीं की अपना कि मुझे टीवी लग जाएगी, छुआछूत रोग है, मैं मर जाऊंगा क्या, कुछ नहीं। एकदम जिसको ब्लाइंड अंध कहते हैं, अपने गुरु निष्ठा में, गुरु जी के इतने प्रेम में डूबे हुए थे गुरुदेव कि महाराज जी ने कहा आप चिंता मत करो गुरुदेव, मैं लेकर जा रहा हूँ अनंत ब्रह्मचारी को। लेकर गुरु महाराज जी मद्रास चले जाते हैं, एडमिट कर दिया।
एडमिट कर दिया, इलाज चलता रहा, ये तो बड़ा रोग, लंबे रोग है ये तो महाराज जी का जब उनका अंतिम समय आया अनंग ब्रह्मचारी का, तो अपने उनसे कहते बाबा कहते थे, गुरु मां जी को गुरु नहीं कहते थे, बाबा कहते थे, मतलब अपने गुरु जी को स्मरण कर रहे थे। उसी समय गुरु महाराज जी ने कहा, मैंने एक फोटो परम गुरु महाराज जी को उनके वक्ष स्थल पर रखा और बस अपने गुरु जी की याद करते करते, राधा विनोद बिहारी की याद करते करते अपनी यात्रा को, जीवन यात्रा को पूरा कर दिया। जब वो अपने शरीर को पूरा कर दिए तब महाराज जी ने पत्र लिखा परम गुरु महाराज जी को, महाराज मैं आपकी छाती की रक्षा नहीं कर पाया, क्या करें। महाराज जी उस पत्र को पढ़कर इतने, परम गुरु महाराज जी ऐसे हुए जैसे कोई बालक रोता है। गुरु महाराज जी ने वही सब कुछ जो भी हुआ सब करा के तब महाराज आए। कहने का तात्पर्य इस कथा के माध्यम से, गुरु महाराज जी के चरित्र से हम लोग सीखें कैसी गुरु निष्ठा होनी चाहिए। अगर गुरु निष्ठा नहीं है जिस भी साधक के हृदय में, वो भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता, निश्चित। अगर गुरु निष्ठा नहीं तो कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे गुरु निष्ठा बैक बोन है, जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना मनुष्य बैठ उठ नहीं सकता है, उसी प्रकार भक्ति राज्य की प्रथम सीढ़ी आदो श्रद्धा को पीछे न पाले अपना गुरु निष्ठा होनी चाहिए। ऐसी निष्ठा गुरु महाराज जी ने स्वयं अपने चरित्र में दिखलाई हम लोगों को कि गुरु निष्ठा से ही हमारा भजन परिपक्व हो सकता है। एक बार सब लोग महाराज जी के चरित्र को सुना रहे हैं तो एक बार मुझे याद आ गई महाराज जी कैसे सत्य के निर्भीक वक्ता थे। रूप सनातन बनाते थे, मनाते थे रूप सनातन, रूप को सामने की चिरो भक्ति थी। हमारे पूज्य पाद अध्यक्ष पद पर विराजमान श्री रक्षितलाल भट्ट जी, आप वो हमारे साथ और बहुत लोग हैं यहाँ पर जो अटेंड करते हैं प्रोग्राम, कहीं भी किसी की एक सेंटेंस भी अपवाद हुआ, कहीं अब सिद्धांत हुआ, तुरंत महाराज उसको काट देते थे, वही रोक देते थे, महाराज जी नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। इतने सत्य निर्भीक वक्ता थे गुरुदेव। एक बार महाराज जी मथुरा की बात है, मैं 3:30 बजे पढ़ने जाया करती थी गुरु महाराज जी से, बड़ा सौभाग्य रहा। मैं समझती हूँ सच इतनी सौभाग्यशाली हूँ मैं बता नहीं सकती, यहाँ पर बहुत लोग हैं हमारे इसके साक्षी। सुबह हम 10 से 12 बजे महाराज जी हमको पढ़ाया करते थे, शाम को 4 से 6 दूसरी क्लास लेते थे, 6:30 से 7:30 महाराज जी जर्नल क्लास करते थे, तीनों क्लास का जो कंक्लूजन जो क्वेश्चन हम लोगों को उठते थे, फिर चौथी क्लास में महाराज जी वो पूरा किया करते थे। सोचो कितने सौभाग्यशाली कि हम लोग 4-4 क्लासों को लेने वाले थे महाराज जी के चरणों से। तो महाराज मैं जब पहुंची 3:30 बजे तो महाराज जी बिल्कुल तैयार अपडेट खड़े हो, मैं कहा कहाँ जा रहे हो। कभी मैं ना एक सबसे पहले कथा सुनाने से पहले बता देते हैं कि मेरा आज तक गुरु महाराज जी से कहीं ऐश्वर्य भाव नहीं रहा, ऐश्वर्य भाव नहीं रहा। हमेशा लगता था कि बिल्कुल लौकिक से बंधुवत रहते थे। कभी हम गुरु महाराज जी को महाराज जी कहते थे, गुरु जी कहते नहीं थे गुरु जी से। जब इन लोगों ने हम लोगों को डांट के कहा कि अब तो बहुत महाराज हो गए, अब तो गुरु महाराज जी कहा करो, तब गुरु महाराज जी कहते हैं, तो अभी गुरु महाराज जी कहते तो लगता बहुत दूरी आ गई है हम लोगों में, एकदम क्लोज महाराज जी के साथ रहते थे हम लोग। तो मैंने महाराज जी से ऐसे पूछा बड़े हंसते हुए, महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो। महाराज जी ने चुपचाप कहा, बेटी यहाँ चौक बाजार में राधा वल्लभ मंदिर है, वहाँ पर गीता जयंती का विद्वत सभा है, वहाँ जा रहा हूँ, तू चुपचाप पहुँच जा। तो महाराज जी ने उस समय अपनी जेब से 20 रुपया निकाल के मुझे दिए कि तू रिक्शा से पहुँच जा। मुझे को मालूम था कि पैसे का कुछ सब कुछ ऐसा ही है। तो जब हम पहुंच गए वहां पर, महाराज जी को लाए हाथ कि हम आ गए महाराज जी, तो महाराज जी ने फिर बख्शा जी बड़े बड़े द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सर दर्शनाचार्य और फिर धुरंधर विद्वान थे उस सभा में। तो महाराज जी को जब माइक मिला तो महाराज जी ने कहा, मैंने पूर्व वक्ता महोदय से बहुत बहुत गीता की बहुत महिमा सुनी, परंतु देखो कैसे सबको निर्भीक वक्ता है महाराज जी, किसी से डरते नहीं थे, कहते परंतु इतनी गीता की महिमा सुनने के बाद में मैं कहता हूँ गीता नर्सरी क्लास का धर्म
और पीएचडी का श्रीमद् भागवत जी। इतना कहते ही तो उस सभा में गड़बड़ मच गई और कही गए थे इस बंगाली को पढ़ा लिया है, बंगाली को चांद, बहुत गंदा गंदा बोलने लगे, हम लोगों के भी खून दौड़ने लगे। महाराजी ने कहा देखो जब आप वक्तृता दिए तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुनता रहा, मैं भी वक्तृता दे रहा हूँ, चुपचाप सुन लो, अगर कुछ तुम्हें तकलीफ है, क्वेश्चन है, कुछ तुम्हें अपमान लग रहा है तो मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, मैं यहीं बैठ के तुमको सबका उत्तर देके जाऊंगा। तो कुछ अच्छे लोग थे भाई, ठीक तो कह रहा है, सुन तो लेने, तो कह क्या रहा है, वो बोलने तो दो। तब गुरु महाराज जी बोलते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज जी, इससे लगता है देखो कैसे निर्भीक वक्ता, और कहते ना समस्त शास्त्र समस्त वो श्लोक है ना, साक्षात रिक्त समस्त शास्त्र रूपस्ता भावित सद्धि किंतु प्रभु प्रिय तस्य बंद गुरु श्री चरणा में साक्षात गुरु महाराज जी की मूर्ति थे। साक्षात कोई ऐसा शास्त्र महाराज जी के कंठ से बाहर नहीं था और इतना सिद्धांत पूर्ण, वो जो सुना है वही समझ सकता है। तो महाराज जी बोल रहे, क्या बोले महाराज जी, महाराज जी ने कहा गीता कहाँ समाप्त होती है, गीता समाप्त होती है सर्वधर्मा में परित्यज माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष सामि मा शुचा। इतना सा लेक्चर दे दिया ठाकुर जी ने, तो अर्जुन कहते हैं प्रभु वहां सामने युद्ध के लिए दुर्योधन ललकार रहा है, कह रहा है कायर अर्जुन उठा धनुष और युद्ध कर, अब मेरे को तो इतना भी समय नहीं, एक बार रिवाइंड कर उसे देख लो क्या बोला आपने, आप मेरा फिर कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ, अब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तब कृष्ण ने कहा हे अर्जुन अब तू सब कुछ परित्याग कर दे, पहले हमारे संस्कृत विद्वान बैठे हैं या छात्र भी बैठे हैं संस्कृत जानते हैं, संस्कृत का श्लोक पहले अन्वय किया जाता है तब उसका अर्थ निकल कर आता है। पहला है सर्वधर्मान परित्यज, ये पीछा चला जाएगा, आएगा माम एकम शरणम व्रजा, पहले कृष्ण कह रहे मेरी शरण में आ जा तू, तब तू सब धर्मों को त्याग देना, कोई चिंता की बात नहीं है, सब मैं देख लूंगा, कोई चिंता मत करना। तो यहाँ गीता समाप्त होती है गुरु महाराज जी कह रहे हैं, और कहा यहाँ से जहाँ गीता समाप्त होती है उसके बाद में भागवत जी प्रारंभ होती है। भागवत जी में गोपी प्रेम या रास पंचाध्याय या भागवत आचार्यों का वर्णन कहीं कुछ नहीं वर्णन किया था, तब महाराज जी की क्या मधुर मधुर लीलाओं ने वर्णन किया। वर्णन करने के बाद में कैसे गुरु महाराज जी निर्भीक सत्य के वक्ता थे, हम लोगों को ऐसे ही भजन करना है, कहीं भी जाके बोले किसी से कभी कभी एक शब्द का नीचे नहीं, हमारे गौड़िया सिद्धांत जो है इतने नपे तुले हैं, बाल बराबर भी इधर से उधर नहीं हो सकते, इधर से उधर नहीं होते हमारे जो ये हमारे सिद्धांत है भाग गौड़िया वेदांत गौड़ियाओं के सिद्धांत जो है बड़भागी है, ऐसा गुरु महाराज जी हमने भरपूर पाया। एक छोटी सी लीला है बस अंत में गुरु महाराज जी की, गोवर्धन का समय था, गोवर्धन में महाराज जी गोवर्धन में महाराज जी बैठे जा रहे थे, बहुत बहुत भक्त हैं तुम लास्ट में आई और फास्ट ले लिया साथ एक बात रखो हो गया ठीक है। महाराज जी का देखो अंत में भी महाराज जी अपने स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने नित्य लीला में गए, हम गुरु महाराज जी के चरणों में यही पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हे गुरु गुरुदेव जिस रस में जिस संबंध से जिस भाव से आप भजन किया करते थे उसकी इसी साधन काल में तड़फन मिल जाए, ऐसी तड़प तड़प के हम भी आपके पद का अनुयायी होकर हम भी ऐसे राधा कृष्ण का भजन करें, बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु का भजन करते हुए इसी जन्म में अपने स्वरूप की उपलब्धि प्राप्त कर शिवप्रिया जी की सेवा हो जाए। वंशा कर हरे कृष्ण नवीन प्रभु जी आपने कुछ बोल रहे हैं अभी दो जन किया से अभी जान से बोला
भक्ति वेदांत ब्राह्मण गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत बोल चार दो जने थे चार नाम बोलो रवि गुरु तन्नाय राधिका ददालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय प्रभक्ताय नमो वंशा कल्पतरुद्रस्य कृपा सिंधु भैरव च पतितानां पावने भो श्रुति हरे कृष्णा। जितने भक्त लोग थोड़ी इधर पर सर जाएंगे इस तरफ आपको सीधा आने पर जो आ रहे हैं उनको भी बैठने के स्थान मिल जाए। थोड़ी थोड़ी सर इधर थोड़ी 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 भगवानी अभिन्न प्रकाशित संबंध ओम विष्णु का मिथिलाभिष्टिमा भक्ति देवीता माधव ऋषि शास्त्रांग प्रणाम करता युद्ध के प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय वैष्णव बृंदम माता शक्ति निर्माण करता हूँ। हमारे सामने गज विभूति से भक्त जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारे सामने जो तिथि उपस्थित हुए परम पुत्र का इतलाक श्रीमती वेदांत नारायण श्री महाराज जी को शतवार्ष श्री महाराज मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद दर्शित रहे कि उनको चरण पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए प्रयास करता हूँ। गीता जी में एक श्लोक है जी यथाम भगवान फिर हम संजाम हम वर्तन वर्तनते मनुष्य पात्र भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा जो जैसे भजन करते हैं उसको भजन का विचार से उसको मैं उसी भाग देता हूं। ये कृष्ण का गीता में होती है परंतु श्री राधा रानी ने जीव को भजन का अपेक्षा नहीं रखते उनको नाम लेने से हम आगे इसी राधा का माधुरी जिसने आस्वादन किया है श्री कृष्ण उस आस्वादन वस्त्र को विश्ववासी को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु से गौरांग महाप्रभु से उसमें अवतीर्ण होने के बाद मात्र केवल धर्म आठ श्लोक बोलते क्या और बाकी कुछ नहीं था। उन्होंने गंभीर नाम की बैठक ली स्वरूप आराम के साथ में कि निधि के निकुंज इलाकों के स्मरण करते थे उस स्मरणीय वस्तु को सर्वस्वी का अंदर में रखा है। सर्वस्वी वाणी का द्वारा आपने शास्त्र को लिखे विश्वास की बात मंगल उसके बाद में नरोत्तम श्रीनिवास आज समानंद प्रभु कुछ बांग्लादेश में उड़ीसा देश मणिपुर का तरह नरोत्तम प्रभु का बहुत अवदान है। उनने बांग्ला भाषा में प्रार्थना प्रेम भक्ति का तंत्रिका में उन्होंने स्थायी निकुंज भाष्य का समस्त वस्तु को सहज सरल भाष्य दी उसके बाद में वर्षों जबर में अंधकार का समय था दो चार कई वर्षों भजन करते थे विश्वभाषी को देने के लिए कोई नहीं जो जगन्नाथपुरी विप्रलम्बा का स्थान है जिस विप्रलम्बा स्थान में हमारे महाराज जी नारायण महाराज जी महाराज
कुछ हम सब सोचा था अपना गोवर्धन में शरीर छोड़े जाते हैं। देखो कि विपुल मतलब वहां स्वयं महा महाराज जी ने विश्व हज को देखा के किया देखो विपुल उसके बाद उसी स्थान में जगत गुरु श्री भक्ति धाम और सरस्वती उन्होंने विश्ववासी को राज्य जिस समस्त जो प्रचार हो रहा है महाप्रभु को विमान भक्ति को आज के प्रचार हो रहा है इस प्रकार के एकमत स्तंभ स्वरूप श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद जितना प्रचार में दो वस्तु को विशिष्ट कर दे दिया एक गरीब और नाशम और एक कृष्ण भजन है हरि एव सदा रत्न सर्व देव चल चलो गंभीर प्रीति किसी बंग मनुष्य किसी देवता का वंदन नहीं करना किंतु सर्व एकमात्र सर्वेश्वर देव हरि हरि सदा सर्व देव चल सर्व देव का ईश्वर सर्व एकमात्र हरि को भजन गरीब और नाशम एक बहुत बड़ी व्यक्ति से आता तुमने नहीं दिया कोई आता तुमने क्या नहीं दिया जो एक बार काउंटर में आदि को जिन्हें संस्कार करके मंदिर को सभा करने के अधिकार दिए विश्ववासी विश्ववी का आंसर तो दे दिया एक बार गुरुवार यात्रा पर विशाल काम करके दिया उसके बाद में तुम बात के पास सब गण का अंदर में जैसे भक्ति जगन महाराज जी गोसाई महाराज जी आवश्यक प्रचार की विधिया उसके अंदर में भक्ति वेदांत हमें महाराज जी ने आर्य वस्तु दिया क्या वस्तु दिया उन्होंने वैश्व जीवन को सनातन वैदिक धर्म से विवाह को विवाह करना चाहिए ये शुद्ध विवाह है ये संसार संसार में शादी कर लिया छोड़ दिया ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण को छोड़ा ना लक्ष्मी नारायण ना नारायण लक्ष्मी को छोड़ा इसलिए विवाह पद्धति में सनातन वैदिक धर्म का द्वारा एक मात्र शादी होना चाहिए मैंने स्वयं देखा स्वामी महाराज आपने विदेशी को विदेशी का सामने शादी स्वयं दिया ये वस्तु देने के बाद इसके बाद में हमारे मंगल महाराज जी प्रचार किया तीर्थ महाराज जी प्रचार किया इसको उन्नतम श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी ने विशेष करके एक वस्तु दे दिया रूपानुगम में मैंने देखा आज के बामन महाराज जी को हम लोग तिथि मना रहे कुछ भक्ति बामन महाराज जी के मैंने दीदी उन अंदर में उदारता निष्कपटता सरलता नहीं रहते थे आज सारा विश्व में नारायण महाराज जी ऐसा प्रचार नहीं कर सकता उनको मैंने देखा जो द्वितीय पीढ़ी में एकमात्र अद्वितीय आचार्य रूप से कार्य कर रही थी सभी मठ में देखो आचार्य लोग आचार्य पद बैठने से गुरु का आसन बैठने से गुरु भाई को मेरे देखा नारायण जी किसी गुरु भाई को निकाला नहीं सबका आदर करके योग्यता अनुसार से सेवा दिया है सेवा करने का अधिकार दिया है ये पूज्यपाद भवन महाराज जी का बहुत बड़ा अवदान है कि अद्वितीय आचार्य रूप से आपने सबको मिला करके मिल के आज योग्यता का शिष्य उनके पास आया फिर महाराज जी को जो भी आपस में लड़ाई होता था तब नारायण जी के पास हमने इतना बड़ा विचार इतने बड़े महानता इतने बड़े उदारता मैंने अद्भुत रूप से इसको कैसे पावन भाज का आदर समय हम लोग को देखने मिला सीखा के मिला इसलिए आज पृथ्वीपाल नानी सतराज उस समय मेरे को चरण में प्रार्थना करता हूँ उनको जितना आश्रित है तो आश्रित के ऊपर सदाचार पालन करते हुए उनको ऊपर भजन करने के लिए आशीर्वाद वर्षित रहे इसी प्रकार कथा बनती है मंच के पास सिद्धार्थ
हम भक्ति धर्म को रक्षा करें
किस मार्ग से हम चले, किस प्रकार चले, ये हमारे समझना बड़ा ही कठिन पड़ जाता है, कठिन पड़ जाता है ये समझना हमारा। तो संस्कृत पढ़ना, संस्कृत जानना जरूरी है। कुछ भी करे, मंत्र भी करे, पर संस्कृत में बोलने पर पड़ता है। गुरु को प्रणाम करे, गुरु मंत्र संस्कृत से ही है। अब बन बना करे सब संस्कृत से, सब संस्कृत से। अब अनुभव मिल जाता है, फिर भी मूल तो संस्कृत है। संस्कृत बिना अनुभव करके अब कोई भी मंत्र उच्चारण करे होता है कैसा, नियम कहाँ पे है क्या, कहाँ पे नहीं, संस्कृत से ही बोलने पड़ता है। क्योंकि देखो भाषा है, संस्कृत से बोले तो देवतागण समझ जाता है, ग्रहण कर लेता है, देवो भाषा है। इसको संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आगे जाकर के संस्कृत लुप्त तो हो जाए, तो हमारे भगवत गीता कौन पढ़ेंगे, पाठ कौन करेंगे, भागवत कौन पढ़ेंगे, इसका अर्थ कौन समझेंगे। बहुत ही इसके लिए जरूरी है। तो महाराज जी साथ ही साथ कहा कोई चिंता नहीं है, वहां पढ़ाने के लिए भी क्या था, तुम आ जाओ हमारे मठ पे, हमारे मठ पे पढ़ाओ। उसमें केवल वो है ना रूप सनातन मठ जो है ना सुबाकुंज में, केवल नया है बना था क्या। तो कुछ छात्र थे मेरे साथ, 10-12 छात्र थे, मैं रोजाना नहा ही जाता, मैं वहां रोजाना जाकर के पढ़ाते। महाराज जी मेरे जीविका के लिए भी दोष